यहाँ पर उपस्थित हुए सभी भाइयों और बहनों, सभी देवताओं की संगठना की ओर से आप सभी का स्वागत है। एक स्थान पर नहीं बल्कि हर दिशा में अपनी रोशनी देने वाली, वो सुख का दीप जलाकर हर स्थान पर अपनी दया बरसाने वाली, सारी पृथ्वी को अपने नियंत्रण में रखकर रक्षा करने वाली माता पराशक्ति, उनकी सच्चे मन से आराधना किए अब हम सभी को जीवन में कुछ अद्भुत चमत्कार और दया इन दोनों और अब तक ही नहीं बल्कि अब हर क्षण हो रहा है। ये चमत्कारी माता की कृपा से जो उन दिनों के सभी महान कवियों के जीवन में घटना घटी है, इस विषय पर कई हजार कवि उनकी भजन कीर्तन गाते आए हैं। उस कीर्तन में गाया गया हर वाक्य सभी को उस वक्त उनका स्वयं का अनुभव है या उनकी कल्पना है क्या, इस विषय को लेकर आज ये दो समूह आपस में विवाद करने जा रहे हैं और इनके बीच न्यायाधीश बनने का आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले कवि के अनुभव के विषय में ही हम सब लोग चर्चा करेंगे। न्यायदाता न्यायाधीश जी और मेरे भाइयों बहनों, उन दिनों के महाकवि और सभी लोग माता पराशक्ति के भक्त थे। उनमें पराशक्ति की कृपा प्राप्त किए बगैर कोई कवि महाकवि के नाम से नहीं जाना गया है और ना ही वो उस नाम को स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सबसे श्रेष्ठ कवियों के कवि महाकवि कालिदास जी का उदाहरण लिया जाए तो उनका नाम यह हम सब के लिए एक बड़ा उदाहरण है। दक्षिण दिशा के कवि कवि चक्रवर्ती कंबान जी के उदाहरण, तेरन के गांव में कई मंदिरों में उन्होंने पुजारी बनकर कई सालों तक मां पराशक्ति के चरणों में बहुत सेवा की है। मध्यकाल के कवि का उदाहरण लिया जाए तो सिखार के काव्य में माता अंगलेश्वरी का झूठा अमरूद खाते ही उसी क्षण में साधारण मनुष्य भी माता की कृपा से महाकवि कहलाया है। अगर इसी तरह से देखा जाए तो वंता पुतान कौन थे? इस समय चौलाई देश के वासियों को यह समाचार है कि हमारे देश के महाकवि सगुंदल वालुतिन, उनकी महानता तथा उनके सर्वश्रेष्ठ वत्ता पुतान कवि का 55वां वर्ष का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। इस शुभ अवसर पर महाराजा और महारानी दोनों अपने शुभ हाथों से महाकवि के ऊपर सोने का अभिषेक करेंगे। उस समय पुतान जी की प्रशंसा से जो कोई ज्ञानी कवि कविता कहना चाहे वो कवि लोग इस शुभ कार्यक्रम में उपस्थित हो सकते हैं और महान गायन के लिए विशेष इनाम दिया जाएगा। अब तो हमारे दिन ही बदल जाएंगे भैया। पर वो कैसे होगा कवि जी? श्रेष्ठ कवि को इनाम मिलेगा, सुन लिया ना तुमने? अच्छे श्रेष्ठ कविता को उदाहरण में बोला तो उसे तुम लोगों ने नहीं सुना क्या? कंबन कवि पधारिए पधारिए, प्रणाम, आइए आइए पधारिए, प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। क्यों आप सभी कवि एक साथ यहाँ पर उपस्थित हैं तो जरूर किसी बात पर विचार विमर्श कर रहे होंगे, है ना? ये सत्य है, ये सत्य है, सत्य है। कल के शुभ दिन में कवि एतान जी के जन्मदिन का कार्यक्रम, जिसमें श्रेष्ठ कविता पर खास उपहार देने का संदेश दिए हैं, क्यों नहीं? आप सब उसके लिए तैयारी क्यों नहीं करते? ओ क्या है कि उसमें जरूर कोई राज है। उसमें क्या राज है? पुतान जी तो काफी गुस्से वाले इंसान हैं। अगर कोई भी श्रेष्ठ कवि गाना गाए तो भी उसमें कोई भी एक कमी ढूंढ कर उन्हें कैदी बनाकर बंदी बना लेते हैं और फिर उसके बाद उस कवि का गला काट देते हैं। ऐसी बात हमें पता चला, ऐसी बात पता चली है। आपने जो भी खबर सुनी है वो पूरी तरह गलत है। जो श्रेष्ठ कवि नहीं है उन्हें ही दंड दिए हैं उन्होंने, पर जो श्रेष्ठ कवि हैं उन्हें कभी उन्होंने जीवन में कभी भी दंड नहीं दिया है। मुझे कवि चक्रवर्ती कंबान का पद दिया था, पर वंता पुतना तो कवि का एक दूसरा अवतार है ये कहकर पदवी दी।
मुझ जैसे को श्रेष्ठ कवि के राजा बने और सारे संसार के कवि राजा बने वो श्रेष्ठ कवि वंता पुतना ही है। वो, वो ऐसा है कि जब हमारे महाराज की आयु केवल 7 वर्ष की तभी उनके पिताश्री की मृत्यु हो गई। उस समय अपने राजा को उन्होंने पूतना के हाथों में सौंप दिया। उस समय से आज तक हमारे महाराज के पिताश्री बने, ज्ञान के लिए एक गुरु बने और राज चलाने के लिए एक मंत्री बने और उनकी महानता देखिए, माता महालक्ष्मी का ज्ञान प्राप्त करके उनकी इच्छा अनुसार रहे। इस पूरे जहान में उनके जैसा महान इंसान तो कोई है ही नहीं। और ऐसे कवि के विषय में वर्णन करने के लिए आप लोग घबरा रहे हैं। हमारी सारी समस्या आपने सुलझा दिया कमान जी, अब देखना हम क्या करते हैं। प्रणाम। उतान कवि अभी तक आए नहीं? वो अवश्य उपस्थित होंगे, इसी विश्वास से ही हमने सभा का आयोजन किया। तो खड़े क्यों हो? आप दोनों स्वयं जाकर हमारी पालकी में उन्हें ले आइए। जो आज्ञा महाराज। माता जी। अरे ये क्या, अंबिका मंत्री और सेनापति जी आए हैं? माता, आज का दिन तो आपके पति के लिए शुभ दिन है। माता, हाँ। उन्हें दरबार की महासभा में उपस्थित होने के लिए महाराज ने अपनी पालकी में लाने के लिए उन्हें हमें ये आदेश दिया है। अच्छा, उन्हें ले जाने के लिए आप लोग स्वयं आए हो? नहीं माता जी, नहीं। पुतान जी को पालकी में बिठा कर उन्हें अपने कंधों पर उठाने का हमें सौभाग्य मिलेगा, ये तो बड़ी खुशी की बात होगी। बस बहन जी, पुतान जी अब तक तैयार हो गए हैं क्या? वो तो प्रातः काल ही अपने माता जी के साथ पर्वत पर हमारी कुलदेवी महालक्ष्मी का दर्शन प्राप्त करके वहाँ से सीधे वो राजदरबार में पहुँचेंगे, ऐसा कहा था उन्होंने। अगर ऐसा है तो बहन जी हम लोग मंदिर में जाकर उन्हें ले आते हैं। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम। माँ, माँ। क्या हुआ बेटा? ये मसाल कैसे बुझ गया? लो अभी जला देती हूँ। जरा जल्दी करो माँ। हाँ अभी जला देती हूँ बेटा। जल्दी करो माँ, जल्दी। लो आगे अपने जन्मदिन के उपहार में एक कविता लिखकर उस माता पराशक्ति को अर्पण करना चाहता था, पर इतनी परिश्रम से बनाई हुई ये कविता ताड़ पत्री पर लिखते समय ये मसाल बुझ गया माँ। ये देखो जला रही हूँ बेटा। माँ फिर से मसाल बुझ गया, कैसे जलाया था? दूसरी मसाल लाती हूँ बेटा। जरा सा बड़ा मसाल लाओ माँ, यहाँ की ये भयंकर तूफानी हवा इस मसाल को बुझा रही है। हे भगवान। माँ, मुझे जन्म दिए वो भूलोक की माता के लिए अपने जन्मदिन का एक उपहार कवितांजलि बनाया हूँ। उसमें दिया हुआ ये प्राण, जिसमें आपका दिया हुआ ये शरीर, आपके वर्णन में मैं अपनी इस कविता को अर्पण करता हूँ। इसे स्वीकार करो माँ। माँ, आपने मुझे जन्म दिया है और आप मेरे पैरों को छू रही हो। बेटा, मैं अपने पुत्र के पैर नहीं छू रही हूँ। देवलोक और भूलोक के सभी देवता मिलकर इस माता का दर्शन पाने के लिए तपस्या करते हैं,
पर वो आज महाशक्ति स्वयं यहाँ पर अपना दर्शन देकर अपने हाथों से वो मशाल को जलाकर उस कवि को रोशनी दी। उस महाकवि के पवित्र पैरों को ही मैं छूने जा रही हूँ। ये क्या माँ, माँ पराशक्ति ने दर्शन दिया क्या? हाँ बेटा, जब मैं मशाल में तेल डाल रही थी उसी समय ही वो मुझसे पहले आकर तुम्हें जन्म दिया। इसी वजह से ये दर्शन प्राप्त करने का इस माँ को इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस वजह से ही मैं तुम्हारे पैर में कई बार गिर सकती हूँ बेटा। नहीं माँ। माँ, इतनी देर तक मेरी लिखी हुई कविता, वो माँ पराशक्ति की मशाल से लिखी, वो भी एक पलक झपकते ही उनकी शक्ति से मैंने ये कविता लिखी है। माँ, इस गरीब कवि की कल्पनाओं को ठेस न पहुंचे इस वजह से स्वयं अपने हाथों में मशाल जलाकर चुपचाप इतने देर तक खड़ी रही हो माँ। उस करुणामयी माता के विषय में गाना गाने में ये पुत्तन ही नहीं बल्कि वो देवलोक में रहने वाले वो पुत्तन भी नहीं कर सकते हैं माँ। महाकवि वत्ता पुतान की। महाकवि वत्ता पुतान की। कवि चक्रवर्ती जी, अपने शुभ हाथों से ही अभिषेक कीजिए। महाकवि वत्ता पुतान की। महासरस्वती, महाराज अब आगे के कार्यक्रम में पुतान कवि की प्रशंसा करके कविता गाएंगे। जरा रुक जाइए कवि चक्रवर्ती जी, आज इस कार्यक्रम में मेरा मन तो खुशी से झूमने लगा है, इस खुशी में शायद मैं डूब जाऊंगा। हमें इस परंपरा में रखें चोलई राजा, इसमें आज चार शब्द के कीर्तन गाने के लिए मेरी जिभ्या तड़प रही है। मैं ऐसा कीर्तन गाना चाहता हूं कि जिससे सबको पसंद आए और आपको भी खुशी। क्षमा कीजिए पुतान जी, क्या सही है? क्या सही नहीं है? हमारे परंपरा के बारे में कीर्तन गाना, उसमें तो हमारे नाम की भी प्रशंसा किया जाएगा ना? क्यों नहीं? पिता और उसका बालक, उसी तरह गुरु शिष्य के बारे में कवि प्रशंसा करके गाना गाए सही है? महाराज, पुत्र हो या शिष्य हो, कविता लिखने में उसका मन और चतुराई हो तो पिता या गुरु उनके बारे में प्रशंसा करके गाए तो उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? अब ये पूतना जी आपकी प्रशंसा में गाना गाएं, इस कवि की यही इच्छा है। सुनिए कवि जी। कहिए महारानी। मेरी भी इस इच्छा में संपूर्ण आदेश है। पुतान जी जरा गौर से सुनिए आप मेरी बात। इनके पति की प्रशंसा के लिए गुरु और पिता की तरह उनके स्थान पर आप ही कविता गा के सुनाइए। अवश्य गाऊंगा महारानी, अवश्य गाऊंगा। तो प्रजाजनों, कुलाथाम का नाम प्राप्त किए हमारे महाराज के पूर्वज लोग, जिसमें सही तरह से न्याय देने वाले हमारे चोलन राजा, जो हमारी प्रजा की जरूरतों को समझकर तुरंत उन्हें सही न्याय देने की जिम्मेदारी से स्वयं अपने राज दरबार में निर्णय करते थे। एक दिन महाराज के सुपुत्र रथ में आ रहे थे कि अचानक एक बछड़ा उनसे कुचल गया। उन्होंने स्वयं अपने आँखों से देखी वो गाय, चीखे चिल्लाए बगैर उसने उस घंटे को देखा। उसी तरह रोते हुए महाराज के पास फरियाद करने के लिए उसने उस न्याय के घंटे को अपने मुख से उस घंटे को बजाया। उसकी समस्या को जानकर महाराज स्वयं अपने सुपुत्र पर वो रथ चढ़ाकर उस दुखी गाय को न्याय दिया। ये बात कुछ लोगों को ही पता होगी, उन दिनों चोलई राजा का बनवाया हुआ न्याय का घंटा आज भी इस महादरबार पर पूरी तरह से सुरक्षित करके बांधा गया है। वो तो
हिलने के लिए ही बांधा हुआ घंटा है, फिर भी वो घंटा बिना हिले ही न्याय का प्रतीक है। तो मन से न्याय देने वाले उस राजा के पास वो एक बारी में ही आकर घंटा बांध कर चला गया। इसका मतलब न्याय कुचला गया। ये सत्य है, पर हमेशा इस महाराजा और महारानी के राज में वो घंटा कभी नहीं बजाया गया, बल्कि एक बार में ही अपने न्याय से पीछे नहीं हटे। यही सत्य है। क्यों नहीं, बस एक बार वो कीर्तन गाई। जो घंटा बजता था वो हिले बगैर सारे ब्रह्मांड में सही न्याय देने के कारण से इस पूरे विश्व पर राज किया। जिसको हमारे कवि वत्तापुतान जी गा रहे हैं उसमें पूरा पदवी इस कीर्तन को समर्पण करके इसे स्वीकार की। अरे पुतान जी, हमारे राज्य में न्याय कभी नहीं ठुकराया गया। अगर आप अपने तीसरी पंक्ति को कहें, आपके शिष्य के बारे में और प्रशंसा करेंगे ये सोचकर अपनी श्रद्धा और आज्ञाकार की भावना को प्रकट करके स्वयं आपकी गायी हुई कविता में पुतान जी के और महाराज के वाक्य को उस कविता में पूरा कर दिया। इस वजह से पुतान जी और महाराज की प्रशंसा में आजीवन कविताएं गाते रह सकते हैं। पुतान जी। क्यों कबान कवि जी, हम कवि भी उसे गाने के लिए काफी दिन से बहुत उत्साहित हो रहे हैं। हमें बस आपकी आज्ञा की जरूरत है। जैसे आपकी आज्ञा, पुतान जी की प्रशंसा करके ही गाएंगे। अवश्य गाइए, परंतु एक बात है, पुतान जी की प्रशंसा ही करके गाइए। हाँ महाराज की जय हो। आप शुरुआत करिए। अब सुनिए हमारे कवि के गुणगान, अब आप ही इसकी शुरुआत करिए। जल्दी से गाइए। पत्थर को तोड़कर उसमें प्राण देने वाले महाकवि, आपके रोम में इतनी भावना है जो आपकी पत्नी में दिखाई देता है। उसमें मोती की तरह उनकी हंसी, इसी वजह से यार ये वत्ता पुतान आपके बराबरी में कोई रुक नहीं पा रहा है। बहुत खूब, क्या बात। अभी आपने जो कुछ कहा वो शब्द कहाँ से लिए थे? ये तो हमारी अपनी सोच है। महाराज, मेरी बेइज्जती करने के कारण से ही आपने इस कवि से गाने को कहा क्या? परंतु तो फिर कैसा, क्या ये जो कविता गाया वो ठीक थी? उसमें कोई वाक्य बराबर नहीं था और बाकी का साहित्य यहाँ वहाँ गड़बड़ था। पुतान जी, इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, ये मैं खुद स्वीकार करता हूँ, परंतु अगर कविता में गलती हो तो भी उसमें आपकी प्रशंसा करने का ही तो लक्ष्य था, उस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। कवि चक्रवर्ती जी, मेरी प्रशंसा करने के कारण से हमारे संस्कृत भाषा की बेइज्जती ना करें। इसने तो हमारा मजाक उड़ाया, परंतु कविता के अंदर के वो भाव और उसके अर्थ को बराबर नहीं गाया, इस तरह मेरी बेइज्जती हुई है। इसलिए इस कविता को सुनते ही मेरा खून भी खौलने लगा है। ये कार्यक्रम भी बंद कर दो, अब मुझे पदवी की कोई जरूरत नहीं। पुतान जी, आइए कवि जी। परंतु आप इतने क्रोधित क्यों हैं? क्या कार्यक्रम इतनी जल्दी खत्म हो गया? कार्यक्रम बंद कर दिया। कार्यक्रम बंद करवाने के लिए जरूर आपको क्रोध आया होगा। जहाँ पर साहित्य की बेइज्जती होती है मैं नहीं भाग लेता। तो अवश्य इसके अलावा आपको इतना क्रोध क्यों आ सकता है? इसके अलावा और कोई विषय पर चर्चा तो नहीं हो सकती है? नहीं मेरी प्रिय, तुम इस पुतान के जीवन की ही पत्नी नहीं हो, उसके ज्ञान के लिए भी तुम ही मेरी पत्नी हो। कवि जी प्रणाम। हम सब सैन गुर्धन के वासी हैं। हमारी तरफ से ये भेंट स्वीकार की। सदा सुखी रहो। प्रणाम। सदा सुखी रहो। कुछ नहीं, क्या समस्या? हमारे सैन गुर्धन वेल्योर के कुल के लिए कवि जी हमारे लिए एक कविता गानी होगी। क्या मैं अपने कुल के विषय में स्वयं गाना गाऊं? क्यों नहीं कवि जी, अपने कुल में आपके जैसा श्रेष्ठ कवि आज तक न पैदा हुआ और ना भी कभी पैदा होगा। ऐसा होते हुए हम किसी और को कैसे कहें? क्यों नहीं, समझ रहा हूँ, परंतु अपने आप की प्रशंसा करना ये अच्छी बात नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप, वेलागन कुल के विषय में कवान कभी तो गाते हैं। वेदियार के कुल के बारे में इलांग वेदियार नहीं गाया? वो लोग सभी गाए, परंतु उसमें एक राजा था। वो क्या था? वेलगथान कुल के विषय में गाए गए गान कवि उस कुल के इंसान नहीं थे। वेदियार की प्रशंसा में गाए इलांग वेद्यु भी उस कुल के इंसान नहीं थे। एक कुल के कवि दूसरे कुल के विषय में प्रशंसा करने पर उस कुल की बहुत अधिक बड़ाई होती है। अगर सब कवि अपने कुल के विषय में स्वयं ही गाते रहे और प्रशंसा करें तो वो कुल की मर्यादा भंग करने के बराबर है, उस समय उस इंसान का सामना भी नहीं कर सकते। चलिए हमें गाना लिख कर दीजिए।
देखो मुझे गुस्सा आ जाए इससे पहले मैं आप लोगों से कहता हूँ यहाँ से चले जाइए। आपसे गाना लिए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। अगर मुझे क्रोध आया तो। इतनी सी बात के लिए इतना क्रोध क्यों स्वामी? चार पंक्तियों में वो कविता अगर उन्हें लिख कर देते तो वो आसमान की ऊंचाई तक आपकी प्रशंसा करते चले जाएं। अरे भाग्यवान तुम भी इन्हीं लोगों की तरह मुझको परेशान करने में लगी हुई हो। ये जात पात कुल से दूर रखने के लिए स्वयं मैंने ही अपने हाथों से कविता लिखी है। पर कुल की भावना किसको नहीं जागृत होती? ज्ञानवान के लिए जात नहीं। ज्ञानवान को कैसे? सभी ज्ञान को प्राप्त किए उनके लिए जात तो बीच मझधार पर शुरू होती है, इसलिए ज्ञानवान की जात नहीं होती, समझ गईं? और दूसरा? कुंवारी लड़की के लिए भी कोई जात नहीं। पर वो कैसे? जवान लड़की को ही तो हम कुंवारी लड़की कहते हैं। हाँ। उसी तरह की लड़की को अगर कोई भी एक लड़का अपना दिल चुपके से दे बैठे तो और वो लड़की उससे शादी कर ले तो तब उसकी जात रिलीजन कुल गोत्र नहीं जानते हुए एक दूसरे के साथ फिर भी वो लोग रह जाते हैं। अपने आप को खोकर जीने वाले उस समय पर कौन से लड़के के विषय में सोचेंगे? ठीक है, ज्ञानी लोगों के लिए जात नहीं, जवान लड़की के लिए भी जात नहीं, और तीसरा? अपने आप का ख्याल रखने वालों के लिए भी। वो कैसे? धर्म के आधार पर उस मनुष्य के लिए भी जात नहीं। कैसे कहें तो उसके सामने रहने वाले उस गरीब का ध्यान देंगे बल्कि कौन से कुल का है ये नहीं सोचेंगे। इस तरह से इन सारी बातों को लिखा गया है। अगर अब कुल के विषय में मैं स्वयं ही गाना लिखने लगा तो पुतान जी के कथन और कार्य में कोई संबंध नहीं है, इस तरह लोग कहने लगेंगे। क्या अभी मैं लिखूं? यही तुम चाहती हो? आपके सभी तत्वों को सुनकर जात के विषय में जो भी लिखेंगे उसे बेवकूफी कहेंगे। अगर उस विषय में कविता भी लिखते हैं तो हमें बहुत बड़ा बेवकूफ समझेंगे, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात को रख लेता हूँ। अरे अरे क्या तुम लोग अभी तक यहीं बैठे हुए हो? जब तक आप गाना नहीं देते तब तक हम लोग सब यहीं बैठे रहेंगे। हे भगवान, अपनी जात के विषय में स्वयं मैं कैसे गाऊं इसकी जिद भी करते हो। आप जैसे जिद्दी लोगों को मैं कैसे समझाऊं? इस जात में क्यों पैदा हुआ मैं? इस बात से मुझे शर्म आ रही है। आपका वरमाला नहीं चाहिए और आपका उपहार भी नहीं चाहिए, ले जाओ, चले जाओ। देखा, अपनी जात का होकर अपनी जात के लोगों को नीचा दिखा रहा है। क्या कविता लिखने के लिए ये सिर्फ एक ही कवि रह गया है क्या? चलो चलते हैं यहाँ से। चलो चलो। अगर उस उतापुतान को सबक सिखाना है तो हमें किसी और कवि को अपनी जात की महिमा के विषय में अवश्य कविता लिखवाना चाहिए। क्यों नहीं? किसी भी कवि को क्यों ढूंढने जा रहे हैं? हम तो नए उभरते चार कवि तो आपके सामने उपस्थित हैं। क्या आप लोग सेनगुंडन कुल के लोग हैं? आप कुछ पुतान और घमंड के विषय में चर्चा कर रहे थे। कवि जी, वो तो हमारे कुल में पैदा हुआ है, इतने श्रेष्ठ कवि हैं, हमारे कुल के विषय में कविता गाइए कहा तो मना कर रहे थे? होते तो कोई बात नहीं, हमारे जैसे कुल के लोगों में वो महान कवि पैदा हुए इसी बात पर शर्मिंदा है। आपने कुछ सुना कवियों? स्वयं जन्म लिए उस कुल के विषय में ये शर्मिंदा हो रहे हैं, ऐसा ही लगता है। उस बात के विषय में एक और सबूत देता हूँ। मैंने भी कई बार उनके पास जाकर कहा, महोदय गुंडन का कुल सबसे श्रेष्ठ कुल है, इस कुल के बारे में आप तो कोई कविता लिखिए, अगर नहीं है तो हमें गाने दीजिए कहा था। उस बात पर उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? मैं स्वयं भी नहीं गाऊंगा, अगर आप लोग गाए तो आपके प्राण ले लूंगा, इस तरह की धमकी दी। इस प्रकार की धमकी दी? उन्होंने तो हमें सिर्फ धमकी दिया। सेन गुंडन कुल तो सबसे बुद्धिहीन कुल है, उसमें से जन्म लिया एक मैं ही अकलमंद और श्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार की सोच दुनिया को बताना चाहते हैं। अगर वो रहेंगे तो आपके कुल को अवश्य ही मिटा देंगे। इससे पहले हम उसे मिटा देंगे। अभी हम हमारे सभी कुल के लोगों को इस बात की खबर देते हैं, फिर उसे मिटा देंगे। प्रणाम, एक समाचार है। क्या समाचार है? महाराज, कुल के कुछ लोग पुतान कवि के पास उनकी प्रशंसा में कविता लिखने के लिए कह रहे थे। आए थे, पर अपने कुल की प्रशंसा स्वयं करना गलत है कहकर मैंने उन्हें मना कर दिया था। महाराज, अभी अभी कबीर से हमें ये समाचार मिला है कि पुतान कवि के ऊपर क्रोध रखने वाले कुछ कवियों ने उनके पास से प्राप्त एक बात को 10 बात बना करके उन्हें सेंगुंडन कुल के खिलाफ एकदम भड़का दिया है महाराज। इस बात को सुनते ही क्रोधित हुए कुछ लोग पुतान कवि को जान से मारने के लिए सभी लोग क्रोध में महल की ओर काफी भीड़ लेकर आ रहे हैं। क्या पुतान को मारना चाहते हैं? इस समाचार को आप मुझसे अगर बता रहे हैं, पहले अपने सिपाहियों को जल्द बाहर भेजकर उनके सर कटवा दीजिए, जाइए। महाराज, किसी दुष्ट व्यक्ति की झूठी बातों को सुनकर उस पर विश्वास करके वो लोग क्रोधित हैं। अब हम उन लोगों को सच्चाई बता दें तो उन लोगों का क्रोध शांत हो जाएगा। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने खुद देखा है,
हमारी किसी भी सफाई को सुनने की स्थिति में वो लोग नहीं है। बहुत क्रोधित है महाराज। रुको, किस कारणवश बत्ता पुतान के मुर्दाबाद हो रहा है? वो हमारे कुल की बदनामी कर रहे हैं। जो कहे तो आपने स्वयं सुना था या किसी ने आपसे कहा है? उन्होंने जो कुछ कहा हमने स्वयं ही सामने सुना। परंतु वो ऐसा कुछ नहीं कहे हैं, पुतान कवि कह रहे हैं। वो जो कुछ कह रहे हैं वो झूठ है, उन्हें अभी हमारे सामने सौंप दीजिए। अगर सौंप दिया तो आप लोग क्या करेंगे? उनके पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अगर आपकी याचिका पर मैंने पाबंदी किया तो महल के अंदर घुस जाएंगे। मानता हूँ, पर एक विनती है, पुतान कवि को संदूक में डालकर आपके पास सौंप देता हूँ। शहर के सीमा पार करने तक ये संदूक को आप नहीं खोलेंगे। क्या स्वीकार करते हैं? जी महाराज, इस तरह की गंभीर स्थिति में जो निर्णय आपने लिया है उस बात से मुझे अधिक खुशी हो रही है। अपने आप का होश खो बैठी उस क्रोधित जनता के सामने जब आप हमें सौंप देंगे वो सभी शांत हो जाएंगे। आपके इस निर्णय से मैं खुश हूँ महाराज। महाराज आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। रुक जाइए गुरुदेव। नहीं महाराज, क्या मेरे लिए आप अपने प्राण देने जा रहे हैं? ऐसा भाग्य मिलना जरूरी है। भुला तुंगा, आप तो महाराज हो। प्रति वर्ष कहीं ना कहीं महाराज तो जन्म लेते ही हैं, पर हजारों साल में एक बार ही आपकी तरह महाकवि किसी एक जगह में जन्म लेते हैं। आपका रहना आवश्यक है। भुला तुंगा, महाराज आपको आज्ञा देता है, हट जाइए। मुझे रोकना या इस जगह से जरा भी हिलना नहीं। पुत्र राजकुमार, क्या तुम? हाँ मैं, कुछ कारण से अंदर बैठा हूँ। क्या कारण? इस संदूक को खोलकर जब वो इसके अंदर मुझे देखेंगे तो एक कवि के लिए महाराज ने स्वयं अपने पुत्र को त्याग दिया तो उस कवि की महिमा को समझेंगे वो, और इस कवि की महिमा अपरंपार है, उन्हें ये बात को जरूर समझना चाहिए। राजकुमार, वो तो सोचने की शक्ति को खोकर पड़े हैं। अगर आप नहीं समझ सकते तो मुझे मरने दीजिए। इस संदूक को बंद कर दीजिए। माता, इस बाप को मैं नहीं होने दूंगा। इसे ले जाओ। भुला तुंगा, तुम्हें मैं उस बालक की बलि चढ़ाने नहीं दूंगा। सिपाहियों, इन्हें पकड़ो। पकड़ो, पकड़ो। सिपाहियों, इन्हें उस भीड़ की नजर से छुपा के, इन्हें महल के पिछले दरवाजे से, इन्हें बाहर जाकर छोड़ आओ। भुला तुंगा, मुझे माता महाशक्ति के मंदिर तक ले जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है, वहीं ले जाओ। चलो ले चलो। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ हूँ। राजकुमार को कुछ मत करना, मुझे मार डालो। पकड़ो पकड़ो, चलो पकड़ो पकड़ो उसको। पकड़ो पकड़ो, जान मारो। वो लोग मिलकर राजकुमार को मार डालेंगे। मुझे छोड़ दो। राजकुमार, राजकुमार, अपना हाथ हटाओ। राजकुमार, दरवाजे से हटो। हटा दो। नहीं हटाऊंगा, मुझे मार कर अंदर जाओ। चोला के राजकुमार, तुम्हारे पाँव पकड़ कर विनती करता हूँ, तुम अपना हाथ हटाकर दरवाजा खोल दो और उन्हें मुझे मार डालने दो। नहीं हो सकता, ये लोग पहले मुझे मारेंगे। पुतान जी,
अष्टमी के लिए एक और दिन बाकी है, अगर आप बाहर नहीं निकले तो मैं राजकुमार को मारकर हम लोग अंदर आ जाएंगे। माता, मुझे हर संकट से बचाने वाली तुम आज इस तरह मूर्ति बनने का कारण क्या है? मैं तो हमेशा आपके चरणों में बिना भेदभाव के गाने लिखते रहने की श्रद्धा को रखकर ही अपनी जिंदगी को तुम्हारे लिए मैं अर्पण कर चुका हूँ। अपनी मौत का कारण मैं उस राजकुमार को नहीं बनने दूंगा, पर आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरे इस काल को तुम नाश करना चाहती हो तो मैं स्वयं अपने सिर को काट लेता हूँ। माता, पुत्तन उठ जाओ। तुम्हारी इस कविता की सेवा में आज सभी को एक सत्य बताने का समय आ चुका है। क्या तुम अब भी खुदकुशी करोगे? माता, मैंने खुदकुशी नहीं किया तो वो लोग राजकुमार को मार डालेंगे। पर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? मैंने उन्हें बदनाम किया, यही कह रहे हैं वो लोग। अगर तुमने उनकी प्रशंसा की तो वो लोग शांत हो जाएंगे। परंतु माता, किस तरह कुल की प्रशंसा करके मैं गाना गाऊं? कुल के बारे में गाना तो गलत है, परंतु उनके कार्य की बढ़ाई तो कर सकते हो। सेनगुंदन कुल का कार्य क्या है? कपड़ा। वो कार्य कितना ऊंचा है? अगर महाकवि बनकर तुम गाओगे, इस वजह से इस तरह के कठोर कार्य तुम्हारे जीवन में आएंगे। अब तुम यही बात उन्हें गाकर सुनाओ। शुरू करो। कैसे झिझक है? माता, मैं ध्यान लगाकर और लीन होकर ही कविता गाता हूँ। मुझे घेर कर उस समय मेरे हजारों शिष्य उपस्थित होते हैं, वो सभी बैठ कर लिखते हैं, अब उसे कौन लिखेगा? तो अब इस काम को मैं ही कर देती। पर माता, कहो। सैनुगुंदन कुल के महाकवि की, सैनुगुंदन कुल के महाकवि की, जय हो। कुल के महाकवि की, कुल के महाकवि की, सैनुगुंदन कुल के महाकवि की, जय हो। कवि जी, बस यही एक गाने के लिए तो हम आपसे कह रहे थे, पर आज आपके गाने में कितना तत्व था। पांजाली मूर्ति को वस्त्र पहनाया, वैकुंठम पर बाकी सभी मनुष्यों को वस्त्र दिए, तो सैनुगुंदम को कितने तत्व दिए, ये किसे कह सकते हैं। आपके कितने मीठे और प्यारे शब्द में आवाज सुने थे, सच में आप ही हमारी प्रेरणा हो। ए, चलो नतमस्तक करो। इस तरह ब्रह्म ज्ञानी सदाशिव के शुभ हाथों से बनाया हुआ पुमलार मारिमम का मंदिर चार युग से वहां पर बहुत ही ज्यादा पूजा और लोगों की श्रद्धा दिखाई देती है। क्या वो भी एक सोच है? नहीं न्यायाधीश जी, उस तरह ठीक है। मैं तो कवियों के विषय में ही चर्चा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, पर उनके रीति रिवाज के विषय में बात करने नहीं आया। पर अगर मैंने कुछ गलत शब्द का उपयोग किया तो हाथ पैर तोड़ देंगे, इस तरह का अनुभव इस कहानी से मिलता है। परंतु इस तरह की कहानी से यह भी पता चलता है कि इस तरह के कठोर भगवान के विषय में ऐसे विवाद की चर्चा क्यों करनी। मेरे दोस्त, माता दुष्ट के लिए ही दुष्ट बनती है, पर अच्छे लोगों के लिए काफी अच्छी है। उदाहरण के लिए एक विषय कहता हूँ। 125 साल पहले सदाशिव महाराज रहा करते थे। उस युग में उनके राज्य को राज करने वाला भी एक व्यक्ति ही था। वो महाराज किस तरह का व्यक्ति था पता है? नहीं, मत मारो हमें, छोड़ दो। एहसान फरामोश लोग, तुम्हारा महाराज मैं, ऊंची आवाज में बात मत करो। तुम लोगों को पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर और इतनी सारी सुविधा लेकर भी इस भगवान की आराधना नहीं करते हो, और जो तुम्हारे सामने नहीं दिखाई दे रही है उस माता मरियम्मा की तुम सब पूजा कर रही हो। तुम लोग तो असली में पागल हो। मंत्री जी, हमें सब कुछ महाराज जी देते हैं, पर
महाराज को देने वाली वही मरियम माँ है। पहले आप इसे जान लो। पहले अपना मुंह बंद कर ले बेवकूफ औरत। क्यों महाराज? क्या हुआ? आपका ये इतना अपमान कर रही तो इसकी सजा तो बताइए। ऐसा ही करो। इसकी आंखों को निकाल दिए तो अंधी हो जाएगी। बिल्कुल सही, यही करो। मंत्री जी, माना कि महाराज जी हमें सब कुछ देते हैं, लेकिन उनको तो यही देवी देती है ना? पहनने के लिए वस्त्र दिए, खाने के लिए खाना दिया, और आज तुम अपने पति को ही सलाह देने आई हो क्या? तुम अपने महल में वापस जाओ, जाओ। महाराज, महाराज, अपने राज्य में जितने भी मंदिर है वो सब हमने तोड़ दिए हैं। शाबाश। हमने हमारी आंखों के सामने सभी भक्तों को मार डाला। शाबाश। किसी तंजारे के पुनिया मनुष्य ने अपने हाथों से उस अंबिका मंदिर की स्थापना की है। उनकी शक्ति बहुत ही महान है। चुप करो बेवकूफ। तंजोर तो उस पंचापन का इलाका है, वहाँ हमारा राज्य नहीं चलेगा। मुझे पता है, पर मैं ये कहना चाहता था, हमारे राज्य की प्रजा वहाँ रात को ही पैदल जाकर सबसे ज्यादा पैसा दान करती है, धन दौलत लुटाती है। उनमें तो बड़ी संख्या में स्त्री भक्त भी शामिल है। हाँ? महाराज, अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारे हालात धन में गड़बड़ा जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत अपने सिपाहियों को सीमा पर खड़ा करके तंजोरी जाने वाली किसी भी स्त्री को वहीं पे उसकी इज्जत लूट करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देनी चाहिए। ऐसी आज्ञा आप फौरन दीजिए। मंत्री जी, अब क्या? अगर उस मंदिर के दर्शन पाने वाली किसी भी स्त्री को परेशान किया तो वो माता काली अंबिका आपके पूरे वंश को ही मिटा देगी। महाराज, इज्जत के लूटने के डर से कह रही है। अगर किसी भी स्त्री की इज्जत रहेगी तभी ना वो माता का दर्शन प्राप्त कर सकती है। महाराज, सही बात है। अगर उनकी इज्जत को लूट लिए तो? वो कैसे? अभी करके बताता हूँ। अरे सिपाही, इधर आ। प्रणाम। इसको तू लेकर के जा और खुश रहे, और तुम सब लोग भी एक एक को ले जाओ। कहाँ चला गया बेवकूफ लड़का? ए! तुम्हें घर को संभालने के लिए कहा, तुम आकाश में देख रहे हो क्या? अभी दिखाती हूँ, आती हूँ मैं। सुनो, इससे तुम्हें दाग देती हूँ तब पता चलेगा कि तुम्हें कोई शर्म लियाज है कि नहीं। अरे भगवान, अरे भगवान, तुम चुप बैठो। अरे 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 अरे, क्यों मेरे बेटे को तकलीफ दे रही हो? तुम्हारी सौदन का बेटा हुआ तो क्या हुआ, अपना ही है। जरा चुप बैठिए। अगर ये मेरा बेटा होता ना तो अब तक इसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को खिला देती। सूखने के लिए रखे हो, मैं उनको देख नहीं सकता क्या? बच्चे इस तरह के होते हैं? अरे बचपन से ही उसकी बुद्धि इसी तरह की है, क्यों तू उसको इसी तरह के काम सौंपती है? देखा, इस तरह के काम भी ये बेटा नहीं कर सकता। आप तो ये जीवित रहने से मर जाना अच्छा है। हे भगवान, हे राजा, हे बुद्धि, तुम्हारी माँ ने कुछ कहा पता है? क्या कहा? तुम्हें मरने को कह रही है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जा, ऐसा ही है, तू मर जा, मर जा, मर जा, मर जा, तू मर जा। रुको, तुम लोग कैसे इंसान हो? तुम दोनों पति पत्नी मिलकर इस लड़के को इस तरह से मारोगे, इसका क्या होगा मालूम है? अब तुम ही बताओ ना यार, मैं क्या करूं? ये किस तरह का बेटा मेरे नसीब में मिला है? अब ये बताओ, इससे कौन सी बीमारी है, क्या परेशानी है, कौन से मंदिर जाए, किस प्रकार ठीक करें से, इसकी चिंता तुम करना छोड़ दो। पर वो कैसे? ये पापी महाराज ने तो राज्य के सभी मंदिर को तोड़ दिया, अभी कौन से मंदिर में मैं इसे ले जाऊं? यही बताने तो आया हूं तुम्हें। तुम्हें मरियप्पा पिल्लई के बारे में पता है क्या? हाँ, वो जंगल में गाय बैल चराते हैं, वही ना? चुप रहो। वो एक जमाने में बहुत धनवान व्यक्ति थे, पर उन्हें आज तक कोई भी संतान पैदा नहीं हुई, तो हमारे गांव के मरियम्मा माता को ही गोद ले लिया। हाँ, उसके बाद उनके घर में एक संतान ने जन्म लिया। उस वक्त राजा ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम्हें तो बेटी पैदा हुई है, अपनी संपत्ति वापस ले लो। उसके जवाब में उन्होंने क्या किया मालूम है? संपत्ति दान कर दिया और वो मेरी बड़ी बेटी को दे दिया। वो मेरी छोटी बेटी को संभाल लेगी। महाराज, अगर मुझे कुछ देना ही है तो आप अपने तबेले मुझे काम दे दीजिए, इस तरह कह दिया। ऐसा कहकर मैंने अपनी बेटी के लिए संपत्ति और अपने लिए काम मांग लिया। मैंने अपनी और अपनी बेटी दोनों के लिए भलाई सोच ली है भाई। क्यों दोस्त,
फिर महाराज ने उनको क्या जवाब दिया? अरे तू तो बहुत बुद्धू निकला, मैं इस राजा की नहीं उनके पिता के राज्य की कहानी बता रहा हूँ। मरियप्पा माँ तुम्हारी तकलीफ दूर करेंगी, तुम अपने बेटे को उनके पास लेके जाओ, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। चलो इसे उठाकर वहाँ अभी लेके जाओ। चल उठ, चल। हे महालक्ष्मी, मेरी माता आपका ध्यान रखेगी, धैर्य से जाना। है माता। पिताजी, मैं जरा पानी भर के आती हूँ। ठीक है, जाओ। महाराज, 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 आप ही मेरे बेटे को बचा सकते हैं। उठ जाओ, उठ जाओ। क्या हुआ तुम्हारे बेटे अब को? अब मैं कैसे बताऊँ महाराज, वो कुछ कहता है नहीं कहता है कुछ समझ में ही नहीं आता। पिताजी, पिताजी, बीच में मत बोलो, एक बहुत जरूरी बात है। उससे भी खास बात हम कर रहे हैं। कहाँ रुकी आपकी बात? वही बीच में। हाँ, तुम्हारी दूसरी पत्नी की वजह से तुम्हारा बेटा इस तरह हो गया है, इसलिए तुम किसी भी तरह बात मनाकर उसे ध्यान से प्यार से कोई भी बात कहोगे तो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। तुम्हें अब क्या बताना था? घर के बाहर एक ज्ञानी बैठे हैं पिताजी। तुम उसे ज्ञानी कैसे कह सकती हो? जैसे भगवान शंकर जी अपने गले में सांप लटका के रखते हैं, उसी तरह सांप लटका कर बैठे हुए हैं। बाप रे, ये तो बहुत गंभीर बात है। पग पूजा तो करना ही पड़ेगा, तुम उसके लिए सब तैयारी करो, मैं जाकर दर्शन करके आता हूँ। ओम, देखो इस मनुष्य के चेहरे को देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे शिव ने इसका रूप ले ही लिया हो या फिर ये बहुरूपी का रूप बनाकर आया, कुछ ऐसा नहीं लगता? ये क्या कह रहे हो? ये तो मेरा बुद्धू बेटा है। आपका बेटा? हाँ, है मेरा बेटा। ए, तेरे गले में सांप है। चुप हो जाइए, कहीं आपके चिल्लाने से सांप ने उन्हें काट लिया तो क्या होगा? हाँ बेटी राजेश्वरी, पर इसे कैसे हटाएं? सांप तो भाग गया, सांप तो भाग गया। सुनिए, आपके गले में सांप लटक रहा था। काटा गया? काटा तो मर गए होते। उसका भी भाग्य नहीं है मुझे मारने में। क्या? मुझे मरना है। सुनो महाराज, ऐसे ही बातें बोल बोल कर मुझे परेशान करते रहता है, इसके तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रुकिए, आप पहले यहाँ से जाइए। क्यों, तुम अपने ही बेटे को मारने और काटने को दौड़ोगे तो लड़का और क्या करेगा? शांत हो जाओ तुम। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा पिताजी। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं जानती हूँ, इन्हें प्यार और स्नेह की जरूरत है। अगर इन्हें प्यार और स्नेह मिला तो मेरे ख्याल से ये जरूर ठीक हो जाएंगे। ये कार्य तो हमें ही करना पड़ेगा। पहले उस बालक को अंदर ले जाकर पेट भरकर खाना खिलाओ। बेटा आराम से जाओ, अपना ही घर है। चलिए तुम आओ यार। आप यहाँ बैठिए। चूल्हा, आग, तुम्हारे फल्लू को इसलिए मैंने डर के मारे पकड़ लिया है। अब सब ठीक हो गया है, तुम अपनी आंखें खोलो। क्या सब ठीक हो गया? हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। सुनो, तुम्हें मेरी जान की इतनी फिक्र है क्या? पता नहीं ये कैसी परेशानी है बेटे। पता नहीं, परंतु पहले की परेशानी से ज्यादा अच्छा है। आओ यहाँ बैठो, इसमें दूध भात है, खा लो। इस तरह मेरा मुंह क्या देख रहे हो, खाओ भी। क्यों खाना खाऊं? सब लोग खाते हैं ना। क्यों खाते हैं? जिंदा रहने के लिए। परंतु मुझे मरना है। ओफो, मेरी तरफ देखो। तुम अपनी सोच को नहीं बदल सकते क्या? नहीं बदल सकता। नहीं बदल सकते? नहीं बदल सकता। ठीक है तो मर जाओ। रुक जाओ, परंतु कैसे मरूं? अब किस तरह से मरना है वो भी नहीं पता क्या? नहीं पता। मैं सिखाऊं क्या? सिखाइए ना। ये क्या है? रस्सी है। मारा? इस तरह गले से लटका कर अगर यहाँ से लटक गए तो जान चली जाएगी। लटक जाऊं क्या? हाँ ठीक है ठीक है, एक और रास्ता बताती हूँ।
ये क्या है? इसे एक झटके से पेट में मारा तो सारी अधरिया बाहर आ जाएगी। पकड़ो इसे, एक और रास्ता बताते हैं। बैठो, एक रास्ता बताऊं? तैरना आता है? नहीं आता है। तो मरना आसान है। अपने घर के आंगन में ना एक कुआं है, उसमें जाके छलांग मारो, अपने आप डूब जाओगे। अब मारने के लिए मैंने तुम्हें इतने रास्ते बताए, कल सुबह होने से पहले अगर नहीं मरे तो देख लेना। नहीं तो मैं मर जाऊंगी। आप बिना वजह क्यों मरने जा रही हैं? जो काम करने के लिए ठानते हो तो उसे पूरा करो, नहीं किया तो हारने के बराबर। ये क्या महाराज, आपके बेटे ने कहा था मेरे बेटे के दिमाग से मौत का डर निकाल लेगी, पर ये क्या, ये तो मेरे बेटे को आसानी से मरने का तरीका बता रही है। कांटे को कांटे से निकालना चाहिए, वही मेरी बेटी कर रही है। अब मारने के लिए मैंने तुम्हें इतने रास्ते बताए, कल सुबह होने से पहले अगर नहीं मरे तो देख लेना। मैं मर जाऊंगी। नीचे मत कूदो। मैं नहीं कूदूंगी, पहले मेरे पैर तो छोड़ो। तुम उतरोगी नीचे तभी मैं पैर छोड़ूंगा। मेरे पैर नहीं छोड़ोगे तो मैं नीचे कैसे? अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तुम कुएं में गिर जाओगी। नहीं नहीं, तुम नीचे आओ, नीचे आओ। अरे छोड़ो ना। लेकिन वो कुएं में किसी के गिरने की आवाज आई थी, वो क्या था? वो तो नारियल, नारियल ऊपर पेड़ से नीचे कुएं में गिरा है। ओहो, उस वक्त तुम कहां पर थे? मैं तुम्हारा छुपा बैठा था। क्या बात है, चाकू लेके खड़े थे, हिम्मत वाला बनने का नाटक कर रहे थे, फिर डर के छुप क्यों गए? वो मैं मरूंगा नहीं, मैं तुम्हें बचाने के लिए अगर तुम कुएं में गिर गई, अच्छा तुम चाकू से या रस्सी से अगर कुछ कर लिया तो, अगर तुम कुएं में गिर गई तो तुम्हें इन सब से बचाने के लिए ये रस्सी लेके आया हूँ और यहाँ पर आकर बैठ गया। सुनो, अगर मैं मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा, और अगर नहीं मरी तो मैं भी नहीं मरूंगा। तुम जब तक रहोगे मैं भी जिंदा रहूंगी। जब तक तुम रहोगी मैं भी रहूंगा, मैं भी रहूंगा। अरे वाह वाह वाह, इस मिट्टी के पुतले में आपकी बेटी ने तो जान डाल दी। दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसी जोड़ी है। महाराज दोनों खुश रहेंगे। मेरी भी यही इच्छा है, परंतु एक बात सच बताना चाहता हूँ, मेरी बेटी पर नाग दोष है। इसका मतलब? होने वाले उसके पति के प्राणों का भय बना रहेगा। इसमें क्या, अगर आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ एक दिन भी जिएगी तो मेरे जैसा नसीबवान इस दुनिया में कोई नहीं। पर ऐसा क्यों होगा, मेरी बेटी तो उस पर्वत पर सुहागन की तरह बैठी है। अभी तुम ठीक से समझे या नहीं समझ पाए, अभी उस तंजर के मंदिर के पास जाकर तुम्हें सब बताता हूँ। आइए अधिकारी जी, आपसे ही मिलने आ रहा था और आप आ गए। अच्छा क्या समाचार है? बहुत पेट में दर्द हो रहा है, आपकी वो पेट की देसी दवा लेनी है, और वो देसी दवा तंजर में ही मिलती है। दो दिन में जाकर आता हूँ, तब तक ये मेरे बच्चे गाय को चढ़ाकर वापस ले आएंगे। दो दिन में आ जाओगे ना? आ जाऊंगा। कितने दिन हो गए तुम्हारे इस सुंदर रूप को देखकर, तुम यहाँ जीवित बैठी हो मेरी बेटी। महोदय अगर दर्शन हो गए हो तो मैं दरवाजा बंद कर दूं? क्या बंद करने वाले हो? क्यों, ये निगाह नहीं हटती, ये निगाह हटी नहीं रही, सारी जीवन भर उसे देखने का मन कर रहा है पुजारी तो जी। तो प्रतिदिन आकर दर्शन करके जाइए। नहीं पुजारी जी, मैं तो परदेसी हूँ। ओहो अच्छा, दो तीन दिन रह करके दर्शन करके जाइए। इतनी रात को कहाँ ठहरूं,
बाहर से आने वाले सभी यात्री मंदिर के पीछे ही ठहरते हैं, उसी तरह आप भी ठहर जाइए वहाँ पे। ठीक है पुजारी जी, इस मिठाई को माता को चढ़ा दो। इसमें क्या है? प्रसाद मिठाई है, मलाई पेड़ा, जलेबी, लड्डू, सब उन्हें बहुत पसंद है। नहीं महोदय नहीं, हम माता को बाहर की मिठाई नहीं चढ़ाते हैं, अगर चढ़ाना है तो खुद बनाते हैं। इस प्रकार बाहर की मिठाई हम नहीं स्वीकारते हैं। ठीक है ठीक, अब दरवाजा बंद कर दूं? कीजिए। पिताजी पिताजी उठिए ना पिताजी, ये क्या इस प्रकार देख रहे हैं? मैं तो आपकी बड़ी बेटी हूँ, क्या आप मुझे नहीं जानते? माता माता जय माता। ये क्या पिताजी, अपनी बड़ी बेटी से आप प्यार से मिलने आए हैं और यहाँ कर माता देवी करके पुकार रहे हैं, ये किस प्रकार की इज्जत है? इज्जत? मैं तुम्हें अपनी बेटी कहकर देख लिया, क्या तुम उसे स्वीकार ली हो? हाँ पिताजी, देवलोक के देवता भगवान गण भी मुझे माता 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 कहकर पुकारते हैं। मैं थक गई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इस कलयुग में कोई भी मुझे बेटी कहकर नहीं पुकारेगा। मैं तरस गई, तभी आपने मुझे गोद लिया, मैं बहुत प्रसन्न हुई। अगर इसमें तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं तुम्हारा पिता बनकर रह सकता हूँ बेटी। बैठिए पिताजी। पहले तुम बैठ जाओ। मुझे क्या हुआ पिताजी, आप बूढ़े हो गए। हाँ हाँ बेटी, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, परंतु तुम हो ना, सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो तुमने ही की है बेटी, और तुम्हें प्यारी प्यारी मैं नहीं कहता, वो तो तुम्हें वीणा कहती है बेटी, मैं क्या बताऊं। अरे बेटी, तुम्हें खड़ा करके मैं बैठूंगा तो मेरा सारा बदन मचल रहा है, तुम बैठोगी तो पिताजी ही बैठेंगे, क्या कहती हो? ठीक है मैं बैठती हूँ। आओ आओ, इस पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में रखने वाली माता, तुम बैठ जाओ बैठो। क्यों पिताजी, मैंने छोटी के लिए एक वर भेजा था, उसका क्या हुआ? क्या तुमने भेजा था? हाँ। अच्छा तो वो तुम्हारी लीला थी। बेटी तुम्हारी बहन को तो नाग दोष है, उसी वर के साथ विवाह करवाऊं या नहीं, उन दोनों के खुशहाल जीवन जीने के लिए ही तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, इसे जानने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। पिताजी उस वर के ऊपर सर छोड़कर उतारना है? वो दोष टल जाए। वो कैसे? नाग के रूप में तो मैं खुद ही आऊंगी। हे भगवान, इतने बड़े मंदिर में बैठकर तुम वहाँ जाकर इतना बड़ा काम करके आई हो। ठीक है अपनी बहन के साथ उस वर का विवाह करवाने का निर्णय ली हो जी पिताजी, परंतु मेरे मन में एक बात चुभ रही है। वो क्या? अगर तुम्हारे मंदिर में विवाह होता तो मैं खुद यहाँ सबसे खुश होता था, परंतु कैसे मैं उन्हें वहाँ से यहाँ तक लाऊंगा ये पता नहीं बेटी। बैठकर बोलिए पिताजी। बैठता हूँ, पर ये तो विवाह है, अपने रिश्तेदार लोग आएंगे, सभी लोगों के लिए मिठाई खाना पानी में गाय चराने वाला हूँ, धन के लिए क्या करूँ? पिताजी वो परेशानी आप मत उठाइए, मेरी बहन के विवाह के लिए मैं स्वयं उस गांव में जाऊँ। बेटी बेटी, वो तो सब मंदिर तोड़ दिया है बेटी, तुम्हारी मूर्ति भी तोड़ दिया है, अब उस गांव में तुम किस प्रकार से आ पाओगी मेरी बेटी, तुम कहाँ ठहरोगी मेरी बेटी? पिताजी उसी पलटन से ही अपना मंदिर बनवाने को कहूँगी और वही अपने बहन का विवाह भी कराऊंगी, क्या ये मैं कर सकती हूँ या नहीं? बेटी बेटी, तुम्हें अपनी बेटी समझकर मैं अपनी सारी कहानी तुम्हें बता रहा था, उसमें मैं तुम्हारी कहानी को भूल गया, एक नजर जो तुमने दिया उसमें मुझे सब कुछ याद आ गया मेरी बेटी। ये क्या, तुम्हारी शक्ति को जाने बगैर मरिया सुगंध तुमसे लड़ने आया था, उसे तो तुमने मार गिराया, और वो तो शिव और विष्णु तुम्हारी लीला देखकर हार गए, फिर भला किसकी मजाल है कि वो तुम्हारे सामने आकर बैठे, फिर मैं कचरा पॉलिथन कौन से खेत की मूली हूँ, जिस काम से आया था मैं वो पूरा हो गया। मेरे लिए जो मिठाई लाए हो पिताजी उसे अब तक मुझे नहीं। अरे अरे अरे, गलती हो गया, भूल गया मैं, गलती हो गया, अभी देता हूँ। खाओ बेटी। स्वादिष्ट है ना? बहुत स्वादिष्ट है। सब तुम्हारी बहन ने बनाया है। ये क्या पिताजी, आप इतनी सारी गाय रखे हो, मेरे लिए आप दूध नहीं लाए? नहीं बेटी, तुमसे इतनी सारी बातें करूंगा, अगर ये बात पता होता तो मैं अवश्य लाता था बेटी। ठीक है मैं वही आकर लेती हूँ। क्यों नहीं बेटी, तुम तो कहीं भी आकर खा सकती हो। बेटी मिठाई यहाँ है, तू आई थी बेटी?
माता 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 संभालो, इनको अंदर लेके चलो। हाँ चलो चलो चलो। जूरे, काली गाय बराबर से गिनती में है, सफेद गाय कितनी है? एक गाय कम है। ऐसा नहीं हो सकता, हम तो सभी को चरा के लाए हैं। कहाँ ना कम है। हाँ, क्यों, कल की तरह आज भी छोड़ दिया क्या? नहीं नहीं मालिक, वो वो देखो आ रही है। ये तो इसका रोज का नियम हो गया है, अगर किसी ने इसे पकड़ लिया तो राज्य का धन तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा और मुझे भी भुगतना पड़ेगा। कल से तुम लोग गाय चराने मत जाना, अपने पिताजी को आने दो, मैं बात कर लूंगा। नहीं, नहीं, कल से ये गाय कहाँ जाती है, कहाँ बैठती है, कब घास खाती है, ये सब देखकर हम उसे यहाँ पर लेके चले आएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। मैं नहीं खाऊंगी, तुम खाओ। क्या, जरा सा भी दूर गई तो ये गाय भाग जाएगी, इसलिए यहाँ खड़े होकर इसे पहरा दे रही हूँ। मिल गई ना, इतनी बात है ना, हम दोनों मिलकर इस गाय को यहीं देखकर खाना खाते हैं। बड़े आए पहरा देने वाले, तुम तो मुझे देखते रहोगे। अरे हंसो मत, दांत गिर जाएंगे, चलो बैठो। ये लो मिर्ची पकड़ो। अरे अरे गाय कहाँ चली गई? अरे हाँ वो तो गायब है। अरे कहाँ गए, अभी तो यही पड़ती। हाँ हाँ वो देखो वहाँ कहाँ है। अरे मेरी उंगली की सीध में देखो। हाँ वो तो पहाड़ पर चढ़ रही है। हाँ। वहाँ कैसे पहुंची? अरे वो तो वहाँ जा रही है। हाँ, चलो 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 देखते हैं। देखो बच्ची दूध पी रही है। हाँ गाय का दूध पी रही है। ये सब बात अधिकारी को चल के बताते हैं। चलो 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 चलो। क्या कहा, गाय पर्वत पे चढ़ रही है और गाय बच्चे को दूध पिला रही है। महाराज या तो ये लोग पागल हो गए हैं या तो इस प्रकार का सपना देखे होंगे। हाँ जी हम दोनों बिल्कुल सच कह रहे हैं, हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा है। हाँ महाराज। अभी मैं वहाँ पर आता हूँ, तुम लोगों ने जैसा कहा अगर तुम्हारे कहे मुताबिक उस गाय ने बच्चे को दूध नहीं पिलाया तो मैं वहीं पे तुम दोनों की आंखें निकाल लूंगा। अवश्य महाराज। चलो मंत्री चलिए। देखा आपने, अरे मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मेरी आंखों की रोशनी चली गई। तुम कौन हो बहन? मैं ज्योतिष देखने वाली हूँ। ज्योतिष देखने वाली? मेरी सहायता और मेरी सोच, जीवन के कर्म सब कुछ सही कर रही हो बहन। बाप रे, मैं आपके विषय में नहीं कह रही थी, दुनिया के लिए कह रही थी। नहीं विश्वास करता हूँ, मेरे अंधेरे जीवन को भूलकर आज तुमने मेरी दिव्य शक्ति की रोशनी को खोल दिया। कौन हो बहन? तुम भगवान के रूप में दिख रही हो बहन। महाराज अगर उसे कहना है तो इस चाबी के साथ ही कह सकती हूँ। कहो बहन, बिल्कुल कहो बहन। कहती हूँ महाराज। बहन अब मैंने अपनी आंखों को खो दिया है, मेरी आंखों को सही करने का कोई उपाय है तो बताओ बहन। बताती हूँ महाराज। महाराज पहले यहाँ पर एक बड़ा सा बाढ़ आएगा,
फिर वहाँ पर वो आएगी जिस समय अगर आपकी मौजूदगी वहाँ पे होगी तो आपको उसके दर्शन मिल सकते हैं महाराज। क्या सही में वो मुझे दर्शन देंगी? देंगी महाराज। देखिए महाराज अभी अंधेरा हो रहा है। क्या बेटी, मैं वहाँ जाकर उसके दर्शन करके आया, उसने पहले ही यहाँ इतने सारे चमत्कार कर दिए। हाँ ससुर जी। पिताजी, आपको माता के दर्शन प्राप्त हुए जब महाराज को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि अपने पिताजी को अपने साथ लेकर आओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आप यहाँ है या नहीं है पता नहीं, ये सोच के ढूंढते हुए हम लोग यहाँ आ गए। बेटी, तुमने तो मुझे सपने में दर्शन दिया है और तुम महाराज से मुझे उनके दर्शन प्राप्त करने को कह दी हो। ये कैसी परीक्षा है तुम्हारी बेटी। महाराज, नदी के किनारे पहुंच गए। तो जरा देख कर बताओ, बाढ़ आ रही है क्या? महाराजा, ज्योतिष के अनुसार वर्षा भी हो रही है, अब तो बाढ़ भी आएगी। अरे वो आ गया, वो देखो वहाँ पर। कहाँ? वहाँ देखो। चलो। वहाँ देखो महाराज, बाढ़ तो पूरे जोर शोर से आ रही है। उसमें माता स्वयं आ रही होंगी, मुझे देखकर बताओ, जरा देखकर बताओ भैया। महाराज अवश्य आएगी। महाराज, बाढ़ में बस एक टोकरी आ रही है और कुछ नहीं। देखो भाई, उसमें माता होंगी, जरूर माता ही होंगी। देख रहा हूँ महाराज, माँ देवी कितनी रूपवती आ रही है। माता, महामाई। वहाँ देखो, माँ, 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 जय माँ, जय हो माँ। अरे माँ, लेकर आओ, लेकर आओ। अरे मुझे बताओ कहाँ है माँ? माता, कहाँ हो माता? मुझसे मिलने आई हो माता? मेरे जैसे दुष्ट के किए हुए पापों को माफ कर दो माता, मुझे रोशनी दो माता, मुझे रोशनी दो। महाराज, माता जिस टोकरी में आई उसमें एक छिपकली भी थी, उसने जवाब दिया, उसे सुने हैं क्या? अवश्य सुना। उसने आपको आदेश दिया है, आपको रोशनी मिलेगी, उसे गौर से देखिए, अवश्य मिलेगी, रोशनी मिलेगी, जरूर मिलेगी। माता, माँ शक्ति।
पिताजी, उस पॉलिथीन से स्वयं मेरे लिए मंदिर बनवाऊंगी और मेरे बहन का विवाह भी करवाऊंगी। ये सब मुझसे होगा या नहीं? मरियप्पन, दूल्हा दुल्हन कब से इंतजार कर रहे हैं, इन्हें आशीर्वाद दो। हमारे राज्य की प्यारी जनता, हमारे प्यारे देशवासियों, इस मंदिर की स्थापना होनी चाहिए, इसका श्रेय मैं मरियप्पन और उसके परिवार को हृदय से देता हूँ। उसी की वजह से इस मंदिर और यहाँ की धन दौलत मैं इनके सुपुर्द करता हूँ। उसकी पूरी देखभाल की जिम्मेदारी मैं मरियप्पन के परिवार को सौंपता हूँ। उसमें से वो जितना चाहे उसका उतना लाभ उठा सकते हैं। और एक खास बात है, मरियप्पन की परंपरा में अच्छे लोग भी पैदा हो सकते हैं और बुरे लोग भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन एक और खास बात है, मरियप्पन की परंपरा में जो भी अच्छे लोग पैदा होंगे या जो भी बुरे लोग पैदा होंगे, मंदिर की देखभाल हमेशा कठोरता से ही इनके परिवार को संभालनी पड़ेगी। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि मंदिर में से कोई भी वस्तु गायब नहीं होनी चाहिए, ये मेरा आदेश है। अगर गायब हुई तो उसको लौटाने की जिम्मेदारी भी इनके पूरे परिवार की ही होगी। हाँ। हमारे महाराज के नए मंदिर की स्थापना का प्रसाद लाया हूँ, ये तिलक आप लगा लीजिए। इस तिलक को लगाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो और आप इसे लगा लो। हाँ, लगा लो। मंत्री जी, इतना सब होने के बाद भी आपको भगवान पर जरा से भी विश्वास नहीं है क्या? पहले ये बताओ, ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया? जैसे ज्योतिष के कहने पर वर्षा कई साल बाद हुई। ऊपर आकाश में अंधेरा छा रहा था, उसे देखकर बारिश आने का भविष्य बता रही थी। और जो बाढ़ आई थी उसका क्या? जब वर्षा होगी तो बाढ़ यहाँ नहीं तो क्या वहाँ आएगा? अरे रे रे रे, अरे जैसा ज्योतिष ने कहा था वैसे माता बाढ़ में क्या आ रही थी? तुम जरा अपने दिमाग से भी काम लिया करो। उस ज्योतिषी और वो मरियप्पन के बीच में कुछ गुप्त रिश्ता ऐसा मुझे लगता है। ये सारी चाल तो उस मरियप्पन का ही है। ठीक है, ऐसा ही मान लेते हैं। परंतु महाराज की रोशनी गई और आई। वो तो एक सपना था। पर वो कैसे? बताता हूँ। हाँ। महाराज तो पहले से ही डरपोक थे। स्वयं किए हर गलत काम को भगवान दंड देगा, इस बात का डर था उन्हें, इसीलिए मुझे परेशान करते थे। मरियप्पन के रचाए हुए नाटक में वो गाय, वो बच्चा और वो गाना, तब महाराज को लगा देवी ने उन्हें दंड देकर उनकी रोशनी को छीन ली है। ज्योतिषी जिस प्रकार बोली, मूर्ति बाढ़ में बहकर ही आई है, तब उन्हें लगा देवी ने उन्हें क्षमा करके उनकी आंखों की रोशनी को वापस कर दिया। वहाँ डर है, यहाँ पाप है, इतना ही। अगर भगवान की लीला होती तो पहले मेरे आंखों की रोशनी जानी चाहिए थी ना। मंत्री जी, अगर ऐसा हुआ तो क्या आप भगवान पर भरोसा करेंगे? सच में भरोसा? देवी माँ। मंत्री जी। हा? क्या बात है? आपको महाराज ने बुलाया है। हाँ, पहले आप उनसे जाके मिलिए, जाइए। महाराज की जय। इसी क्षण में आप अपने पद और अधिकार से मुक्ति पा सकते हैं। महाराज, इसी विषय पर ही मुझे आपसे चर्चा करना था। मेरे सभी योजनाओं की वजह से आपने कई मंदिरों को तोड़ करके गिरवा दिए। अगर उन सभी मंदिरों को मैं स्वयं बनवा कर दे दूं तो मेरे किए हुए कुछ पापों में से मेरे लिए पश्चाताप करने का समय मिलेगा। महाराज, इसके लिए आप दया कीजिए। महाराज, दया कीजिए। मंत्री जी, उठ जाइए, मैं आपको एक और मौका देता हूँ। हमारे बनाए हुए नए मंदिरों में बहुत सा धन आया है, आप उन सब का हिसाब ठीक से कर सीधा उन्हें मरियप्पन के पास ले जाकर सारा धन ठीक से उन्हें सौंप दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। देवी माता की कृपा। क्यों नहीं, सब उन्हीं की कृपा है। पागल कहीं का। मंत्री जी, पर आपने कहा था कि अगर आप पर कोई संकट आए तो आप भगवान पर भरोसा करेंगे, पर आप करो। मेरे ऊपर ऐसी कौन सी संकट आ गई? ये क्या मंत्री जी, आपको मंत्री के पद से हटा कर मुनीम के पद में लगा दिया। ए, ध्यान से सुनो, ये मुनीम के काम से, इस काम से संबंधित सबका देखना हिसाब चुकता करके रख दूंगा। जिस मूर्ति ने मेरी पदवी को छीन लिया है, मैं उसी से ही दोबारा वापस ले लूंगा, देख लेना।
देख लेना, उस शक्ति से भी महाशक्ति की रचना करता हूँ। ये लोग इसी तरफ आ रहे हैं, चलो पानी में छिपकर बैठ जाते हैं। चाहिए चुप रहो, शायद ये लोग अब नहीं जाएंगे। अब सीधे चलकर मंत्री जी को बताते हैं। चलो चलो मेरे साथ। बेवकूफों बेवकूफों, ये क्या बक रहे हो तुम लोग? अच्छा, तुम लोग जब वहाँ बैठे थे तो ज्योतिषी और उसके साथियों ने तुम लोगों को देख तो नहीं लिया? नहीं मंत्री जी, कहीं उन लोगों ने हमें देख लिया तो? क्या किए? पानी में डूब कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, छिपकली गिर पड़ा। अच्छा, उसके लिए कुछ पूजा करते हैं। उपाय तो है, लेकिन देखो तो कहीं ये छिपकली मंदिर वाली तो नहीं है? पर ये तो मंदिर की छिपकली है, पर यहाँ कैसे? कुछ नहीं बेटी, मैंने देखा कि तीन चोर मुझे कहीं उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। बेटी देखिए ना पिताजी, मेरे पैरों में छिपकली गिर गई, दिखने में एकदम मंदिर वाली छिपकली जैसी थी। इधर आप सपने में चिल्ला रहे थे, बेटी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने जो भी देखा वो एक सपना था, पर बेटी अगर छिपकली पैर पर गिरे तो राजी दंड होता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सीधे जाकर तुम्हारी दीदी की मूर्ति देखता हूँ, तब मुझे शांति मिलेगी। चलो मंदिर का दरवाजा खुला क्यों है? हाँ चलो, उसे छूना नहीं दामाद जी। ये क्या ससुर जी, ये किसने किया होगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दामाद जी। पिताजी, माता की मूर्ति गायब है। पिताजी, बेटी तुम्हारी दीदी ने मेरी परीक्षा लेना शुरू कर दिया है, पर मुझसे क्यों? वो भी इस समय? करने दो से, जैसी परीक्षा चाहिए ले ले दो। अभी पालथन के मंदिर जाकर उन्हें ये सभी दृश्य दिखाते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये क्या आधी रात को अभी इस प्रकार मंदिर से माता की मूर्ति गायब हो गई? आपको उजाला दिए बगैर भगवान की मूर्ति गायब हो गई? वो कैसे गायब हो गई, किसने किया ऐसा? जी सुनिए महाराज, क्या आपको इस वक्त किसी पर शक है? यही जानने के लिए बुलाया है। अगर आपको किसी पर भी शक है तो मुझे बताइए। नहीं महाराज, मैं तो ये सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। बिना सबूत के किसी के ऊपर शक करना, महाराज ये तो देवी तो हमें दंड नहीं देगी क्या? बुरे काम के लिए सोचना तो बहुत ही बुरा, ऐसा तो मुझे लग रहा है महाराज। महाराज मारियप्पन, माता अंबिका को ढूंढने के लिए मैं अपनी पूरी सेना को भेज देता हूँ, आप भी कोशिश कीजिए। महाराज ये सब तो बिना वजह की कोशिश है। बिना वजह की कोशिश? हाँ महाराज, वो महाशक्ति की इच्छा के बगैर वो मूर्ति को ढूंढ नहीं सकता है, ये बात सत्य है महाराज। पहले भी कई बार कोशिश करके देख चुके हैं। नहीं, अब इसी संविधान ने हमें अधिकार और दंड दोनों दिए हैं। उस दिन अधिकार को स्वीकारे हम लोग, आज इस दंड को भी स्वीकारेंगे महाराज। महाराज एक छोटी सी विनती है। किस प्रकार की विनती? मरियम्मा को मैंने जब से गोद लिया, ये मरियम्मा के नाम से ही जी रहा हूँ महाराज। उसकी मूर्ति को चुरा लिए, इस प्रकार का झूठा आरोप लेकर मैं राज्य के दंड को नहीं स्वीकार सकता हूँ महाराज। उस दंड को बिना सहे मैं पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करना चाहता हूँ महाराज। करुणा बरसाइए महाराज,
मारियप्पन, कोई भी निर्णय हमारे हाथों में नहीं है, परंतु उस पर भी अपना फैसला सुनाकर मैं कुछ नहीं कहूंगा। धन्यवाद महाराज, आओ चलो। बेटी, दामाद जी, मौत तो एक ना एक दिन सभी को आती है, लेकिन जिस प्रकार हम सोचते हैं ऐसा नहीं होता। ये सब हमें भगवान ने ही दिया है, इसलिए आप उसे धन्यवाद करके चलो, साथ में कूदते हैं, चलो। माँ, ये रोशनी किस तरह की है पिताजी? नाग, नाग, ये इच्छाधारी नाग है। हाँ, ठहरो बेटी। पिताजी, ये तो कोबरा सांप। हाँ बेटी। और ये नागमणि? नाग माता। माता, ये अपमान का जीवन जीने से तुमने बचा लिया माता, ये कैसी लीला है माता। रुको, आगे मत जाओ। माता को ले आने के लिए। ससुर जी, पहले आप जाइए और आशीर्वाद लीजिए, तब जाके माँ हम सबको आशीर्वाद देंगी। बेटी, इसको ले जाकर मंदिर में रख दें, इनको जल्दी से यहाँ से उठाओ, चलो जल्दी। वाह महाराज, महाराज किसी ने कहा कि कोई नाग ने अपने तेज से रास्ता दिखाकर इस मूर्ति को दिखाए, ऐसा कहा था, लेकिन यहाँ तो न कोई नाग दिखाई दे रहा, न उसका कोई निशान दिखाई दे रहा है। महाराज, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, नाग माता ने ही मुझे ले जाकर ये सब दिखाया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मंत्री जी, महाराज, इस संभावना के बारे में आपकी क्या राय है? ये एक संभव नहीं है तो असंभव है महाराज। महाराज, ये मूर्ति की चोरी इन्होंने ही किया है, इसे चिपका करके इन्होंने ही रखा था। महाराज, मरियप्पन, मुंह बंद करो और ये बताओ मंत्री की शिकायत पे तुम्हें क्या कहना है? इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज, तुम चाहो तो माता से पूछ लो। ए माता, बताओ ना इन सबको मेरी कुछ गलती है? रुक जाओ, तुम, तुम्हारी बेटी और तुम्हारा दामाद उस मूर्ति को नहीं छुए। सही न्याय किए हैं मंत्री जी। महाराज, आप खुद जाकर उस मूर्ति को उठाइए। हाँ हाँ, ठीक है, चलो उठाओ, जल्दी करो। मंत्री जी, ये क्या, अचानक एक सांप दर्शन दे रहा है? महाराज, वो कुछ नहीं, बस एक सांप है, मामूली सा सांप है बस। महाराज, आप मुझ पे भरोसा रखिए महाराज। आए बेवकूफो, कहाँ मर गए, तू यहाँ बैठा है, उठ उठ, जा मूर्ति लेकर के जा। अरे क्या हो गया तुझे, पागल हो गया, डरते हो, जाओ इसके साथ, लेकर आओ मूर्ति, जाओ। महाराज, ब्रह्मज्ञानी सदाशिव गुरु यहाँ पर पधारे हैं, आइए। आप हमें मिलने आए, ये हमारा सौभाग्य है। मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, पर उस महाशक्ति ने ही तुम्हें अपने दर्शन प्राप्त करने का अवसर दिया है। स्वामी, मुझे मिलने आई वो महाशक्ति, आज इस तरह से इस स्थिति में मुझे खड़ा कर दिया उसने। वो क्या है? मंदिर में रहने वाली
उस मूर्ति को किसी ने चुराकर नदी में छिपा दिया और मैंने अपने मंत्री को उसके आदमियों के साथ उसे लाने को कहा था। स्वामी, मुझे मूर्ति वहाँ पड़ी हुई मिली। मैंने इन सबको बताया, ठीक से समझाया और मैंने कहा यदि मैंने किया है तो परिवार के साथ मैं आत्महत्या करने को जा रहा था। मेरा क्या दोष स्वामी? मरियप्पन, हो सकता है ये सब परीक्षा लेने के लिए किया हो। चलो चलो यहाँ से। प्रतीक्षा कीजिए और चमत्कार देखिए। मरियप्पन, मैं एक बात किसी कारण से कह रहा हूँ, आप और आपका बच्चा उस मूर्ति को मत छूना। हैं? स्वामी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे संभाल सकता हूँ? इस बात को आप कह रहे हो। माता को तो मैं अपनी बेटी समझकर उनकी पूरी पूजा करता हूँ। किंतु किसे पता है, वो तो मेरी अंतर आत्मा में बसी है स्वामी। वो सत्य है या झूठ है उसे साबित करने का समय आपके पास है मरियप्पन? ठीक है स्वामी, यदि आपका आदेश यही है तो मैं ये करने को तैयार हूँ। दिया तो आज से मैं पूरा समय मंदिर को ही दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा और ना ही किसी में हिम्मत है मुझे पीछे हटा सके। मेरे जैसी भक्ति पूरे गांव में कोई नहीं कर सकता। ये तो सही योजना लग रही है, आप आज्ञा दीजिए। आप जाकर मूर्ति निकलवाइए। चलो। पिताजी वहां देखिए। ठहरो, पहले मुझे माता का आशीर्वाद तो लेने दो। माता, मुझसे इतना स्नेह है तुम्हें, मैंने तो सदा अपने मन में बसाकर बेटी बनाकर रखा तुम्हें। आज उन लोगों के सामने तुमने फिर से मेरी इज्जत रखी। मैं भी वादा करता हूँ कि जब तक मेरी सांस में सांस है मैं सदा तुम्हारे ही पूजा करता रहूंगा और अपना तन मन तुम्हें सौंपता हूँ। ये बिल्कुल सत्य है माता, हम पर अपनी कृपा करो माता। ये सत्य भी साबित होना चाहिए, इसीलिए मैंने ऐसा किया। स्वामी, उठ जाइए। महाराज, मुझसे नहीं, मरियप्पन तो उनके पिताजी हैं, आप उनसे माफी मांगिए। मरियप्पन, महाराज ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए महाराज। महाराज, अच्छा हुआ, ठीक हुआ। अरे 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 अरे, किधर जा रहा है? मंत्री जी को सांप ने काट लिया, उन्हें वैद्य के पास ले जाना चाहिए ना। चुप करना यार, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे कर्म के अनुसार फल मिलता है। इसने केवल अपने जीवन में पाप ही किया है, तू क्यों चिंतित हो रहा है? तुम कैसे इंसान हो, वो हमारे मंत्री जी हैं। मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी। तू चिंता मत कर, मैं देखता हूँ। अरे भाई, ये तो बहुत दूर चला गया, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? चलो अपना काम देखते हैं। तुम जाके करो। अरे यहाँ क्या करेगा, अब तू ये सब छोड़ और जाके वहाँ काम कर। ठीक है। क्या आपको समझ में आया दोस्तों, एक जगह पर पकड़ी हुई आग चारों जगह वही आग लग चुकी थी। सदाशिव गुरु के हाथ से अभिषेक किया हुआ माता मरियम आप भी कई सालों से जहाँ उसकी जरूरत पड़ी वहाँ पर अपनी शक्ति को समर्पित और लोगों के लिए स्थापित किया हुआ है। वो एक झूठ जो महाराज की उनकी जिंदगी को नहीं बल्कि माता की कृपा से एक अबला स्त्री की जिंदगी भी बदल गई है। अरे बेवकूफो, कहाँ गया तुम्हारा सरदार? यहाँ पर खड़ा हूँ मालिक, आपका सेवक। केले के झाड़ और तोरण बांधने को कितना टाइम लगता है? मेरे घर पे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, समझता नहीं है तू? मालिक अभी देखिए, सब काम चुटकी में हो जाएगा, आप खामखा चिंता फिक्र करते रहते हैं। सुनिए जी, क्यों चिल्ला रही हो? कहाँ मर गया वो सरदार? क्यों इस तरह चिल्ला रही हो, मैं तो कब से यहाँ पे खड़ा हूँ। रसोई घर में लकड़ी कम हो चुकी है, सभी बावर्ची चिल्ला रहे हैं जी। वहाँ चिल्ला कर क्या फायदा, यहाँ चिल्लाते तो मैं तुरंत जाकर ले आता। अभी उसे रहने दो, अभी हमारे बगीचे में जाकर कुछ लकड़ियाँ समेट कर ले आओ। अरे चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी चाहिए तो मैं कहीं से भी ले आऊंगा, फिर क्यों चिल्ला रही है? बड़बड़ क्यों करो, चुपचाप काम करो। अरे भगवान, समय बीत रहा है, खाना कब बनेगा? हे भगवान, आप जरा सुनिए, पूजा के लिए सभी मिठाइयाँ फल तैयार है, बस खाना ही पकाना बाकी है। मुझे ये सफाई की जरूरत नहीं है। तो आकर देखिए ना। जरूर देखूंगा। आइए। चलो। ए इधर आ। जी आया मालिक। सब खाना तैयार हो गया क्या? नहीं। हाँ मालिक, आप मिठाई के बारे में बोल रहे हैं मालिक? अरे मैं मिठाई के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मालिक क्या आप प्रसाद के बारे में कह रहे हैं? मैं प्रसाद के लिए बोल रहा हूँ। मालिक जैसा आपने बताया था वैसा सब कुछ तैयार है यहाँ पर, आप खुद ही देख लीजिए। हाँ मालिक, ये आप देखिए मालिक। हाँ
नमस्कार 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 नमस्कार। आइए, घर के आंगन में आपने केले का झाड़ और तोरण बांधा हुआ, ऐसी कौन सी पूजा है? हाँ जी, हाँ जी श्रीमान। सदाशिव गुरु आपके घर पधारे हैं क्या? हाँ जी। ये सुनकर आश्चर्य हुआ। हाँ, क्योंकि राजा और महाराजा उनके दर्शन को तड़पते हैं, इतने बड़े महान व्यक्ति हैं वो। हाँ, वो इतने महान व्यक्ति हैं कि उनके दर्शन पाकर हमें खुशी होगी। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्नि कालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। सद्यो जातं प्रवक्ष्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्वमाम् भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमः। ज्येष्ठाय नमस्ते काय नमः। रुद्राय नमः। आइए महाराज। क्यों रुक गए आप लोग? पूजा प्रारंभ कीजिए। स्वामी जी, हमें क्षमा कीजिए, हमसे कोई गलती हुई क्या जो आप इस तरह से हंस रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, डरो मत। अंबिका माता स्वयं यहाँ उपस्थित होकर सभी प्रसाद को बड़े चाव से खा रही हैं। महाराज, ये किसने बनाया पता नहीं, पर अंबिका माता ने उसे बड़े चाव से खाया है। ये मेरा भाग्य है, सौभाग्य है। स्वामी, इस घर में अंबिका माता ने आकर प्रसाद को बड़े चाव से खाया, इसका श्रेय तुम्हें मिलता है। आहा, ये सब गुरु की कृपा है। सदा खुश रहो, खुश रहो। गुरुजी, कई सालों से हमें पुत्र का भाग्य नहीं मिला है, जरा आप हम पर कृपा कीजिए ना। जल्दी से इस घर में एक बालक जन्म लेगा। चलिए चलिए। गुरु की जय हो। गुरु जी की जय हो। हाँ, सब भगवान की महिमा है। शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। ये तुमने क्या किया? अरे तुमने क्या किया? ब्राह्मण लोग के भोजन को बिगाड़ दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ब्राह्मण लोग भोजन करते समय तुम्हारे मुंह से पानी नहीं टपका क्या? अरे बेशरम, बता तुमने क्या किया? मालिक और मालकिन को खाते समय तुमने देखा क्या? नहीं जी, ये खाना तो यही दरवाजे के पास पड़ा हुआ था और मैं उसे उठाकर खा रही थी। अरे बेवकूफ बेवकूफ, कितनी बार कहा यहाँ पर पूजा मत कर तू। उसी के कारण नहीं आ रही है वो। तो अब आई क्या? यहाँ
आई थी। पर कहाँ? यहाँ कब? यहाँ कब? सुनिए जी, माता के दर्शन प्राप्त करने के लिए सभी पूजा करते हैं। अगर उस समय हम भी पूजा करें तो माता जरूर हमें भी दर्शन देगी। दर्शन? वो भी तुम्हें मिलेगा? तुम्हें एक बच्चा देने का तो भाग्य है नहीं, और दर्शन चाहिए। देखिए जी, उस माता से मैंने भी कहा था कि मुझे भी एक बच्चा दे दे, इसी वजह से मैं पूजा कर रही थी उनकी। क्यों नहीं, तुम जैसी के लिए माता तुम पर कृपा करेगी। उन्होंने तो कब का अपनी कृपा दिखा दी है, पर आप ही का ध्यान कहीं और भागता है। तुमने क्या कहा? सच कहती हूँ। अच्छा 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 नाटक है, अब तुम्हें बताता हूँ, घर चलो। चलो, छोड़िए मुझे। चल, मैं जा रही हूँ यहाँ से, हटिए। माता, कैसी माता? जा रही हूँ, चलो चल चल। इस बेवकूफ से मैंने शादी किया, पर ये हमारे खानदान के लिए एक चिराग नहीं दे पा रही है। अभी एक लड़के से मिला तो अभी उस लड़के के बारे में भला बुरा कहकर और मेरे मालिक के घर पर शिकायत करके, अगर ये ऐसे ही करते रहेगी तो मेरा काम वहाँ से छुड़वा देगी। ये सब नाटक है इसका। सुनिए जी, मैं इस तरीके से शिकायत नहीं करती हूँ कि आप बार बार मुझसे घर छोड़ने की बात करते रहते हो। ये बात मेरी आत्मा को ठेस पहुँचाती है। मैंने गुस्से के कारण शिकायत किया था। अगर तूने अपने कोख से बच्चा पैदा किया होता तो ये ऐसा कभी नहीं कहता। किसी दूसरी औरत के पास क्यों जाता मेरा बेटा? बात करती है, जरा हट तो। अरे बेवकूफ, अगर तेरा बेटा मेरी बेटी के साथ रहता तो वो भी बच्चा पैदा करती, पर ये तो उसके पास रहता ही नहीं है। कमीना, उसके पास रहता है उसे क्यों कुछ कहती है तू? क्या बोल रही हो तुम? अरे चुप, तू हमेशा उल्टी सीधी इसी तरह की बातें करता रहता है। मुझे तेरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसके साथ तू वो तो अभी की बात है, उससे पहले तो मैं उसी के पास में था, तब क्यों नहीं हुआ? अरे उसे तो पता चला क्या कि तुम्हारे में ही कोई दोष है? तो फिर अब देख लेना। वो क्या दोष उसमें है या मुझमें है? वो कैसे होगा बताओ? एक दिन इसके साथ रहूंगा, एक दिन उसके साथ रहूंगा। अगर 3 साल के बाद भी ये गर्भवती नहीं हुई तो फिर तुम मेरे मुंह में कालिक पोतना। अगर वही 3 महीने के अंदर वो मरियमल को गर्भवती कर दिया तो तुम क्या करोगी? देखिए जी, दोष मुझमें है, दोष ये है कि मैं माता के भरोसे रही। इस बात का मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। इस वक्त तुम उसके पास जाकर इस बात के लिए इतनी गहरी सजा मत देना, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। अरे जा रही, तुम्हें कह दिया तो तुम्हें कितना गुस्सा आ रहा है? एक औरत एक आदमी में दोष निकालती है इस तरह, वो मेरे आत्मा को ठेस पहुँचाई है। मैं भी तुम्हें साबित करता हूँ कि मैं मर्द हूँ या नहीं हूँ। आज मरियमल के साथ रात गुजारता हूँ, साबित करता हूँ तुम्हें। जरा रुकिए तो, मेरी बात सुनिए, जरा रुकिए तो। मुझको है प्यार तुमसे, जीता हूँ तेरे लिए, तू है मेरी दिल रुबा, मैं तेरी चाहत में डूबा। मुझको है प्यार तुमसे, जीता हूँ तेरे लिए, तू है मेरी दिल रुबा, मैं तेरी चाहत में डूबा। मुझको है प्यार तुमसे, लागे ना तुझ बिन जिया, तू ही मेरा सपना, तू ही मेरा सजना। मुझको है प्यार तुमसे, लागे ना तुझ बिन जिया, तू ही मेरा सपना, तू ही मेरा सजना।
तेरे साथ मुझे है चलना, चाहता हूँ दिल से, तू है मेरी महबूबा। मेरा भी दिल ये कहे हाँ इसमें तू ही रहे, मेरा भी दिल ये कहे हाँ इसमें तू ही रहे। दिल है तेरे लिए जा भी तेरे लिए, तू जो कहे जाने जा, जगह छोड़ दूँ हाँ, मुझको है प्यार तुमसे लागे ना। ये है? क्या जब भी देखो पीछे आकर मुझे परेशान करता रहता है। सब उसी के लिए। उसी के लिए मतलब? नहीं, जाओ यहाँ से। मुझे तो लगा तुम मेरे साथ नाची गाई और दिल बहलाई तो अपना काम हो गया समझा था, पर तुम तो उसके लिए सही वक्त चाहिए। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं? पर मैं तो तुम्हारी इस प्यारी अदा को देख कर ही पूरी तरह से तुम्हारे जाल में मैं फंस चुका हूँ और तुम इस तरह से कर रही हो। तुमने भी तो मुझे फंसाया है। हाँ तो क्या? उस दिन मैंने तुमसे कहा था ना कि एक सोने की चेन लाकर मुझे दे दो, लेकिन तुम हो कि रोज बहाना ही बना रहे हो मुझसे कि आज ला रहा हूँ कल ला रहा हूँ, लाते नहीं हो। ये सुनो, 4 तोला नहीं 8 तोला की चेन बनाकर डालूंगा मैं तुम्हारे गले में। बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, पहले बना कर लाओ तब देखूंगी। अरे वो तो होगा ही, पहले तुम मेरे साथ आज खुशी से रात बिताओ, आगे जरूर कुछ बढ़ेगा। आओ आओ मेरी रानी, मेरी रात रानी, आ जाओ। तुम कहाँ जा रही हो मेरी रात रानी? जाइए। क्या कह रहे थे वहाँ? क्या कह रहा था? कि वो कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम बहुत ही जल्दी बच्चा पैदा कर दोगे और तुम इस बात की मुझे चुनौती दे रहे थे। हाँ, और यहाँ आकर क्या देखती हूँ? अरे ओए, तू कौन होती है मुझे इस तरह गंदी गंदी गालियाँ देने वाली? हाँ, मैंने ही कहा था। ठीक है तो फिर से एक बार गाली देकर दिखा। एक बार नहीं 100 बार कहूंगी मैं। अरे हट जाओ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे जाओ जी, तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए कह रही हूँ। आ जा, दिखाती हूँ तुझे। ये ले, तेरे सामने आके खड़ी। एक बार फिर से कह। अब तक तो सिर्फ बेशरम कहा था, पर अब तो कहती हूँ कि तुम कमीनी, निर्दयी, निर्लज्ज। अरे रुक जाओ। ए, मैं चाहे कैसी भी औरत हूँ लेकिन मुझे बुरा भला कहने वाली ये औरत कौन होती है? चुप हो जा, हटो यहाँ से। सुन ले मेरी बात, तूने जिसे अपने पल्लू में बांध कर रखा है ना, उसने मेरे गले में मंगलसूत्र बांधा है और उसके साथ मैं रिश्ता निभा रही हूँ। अरे ओ सुंदरी, तेरे पति को मैंने फंसाया क्या? हाँ री। अरे बेवकूफ औरत, तू मेरे साथ आके तो देख क्या कि मैं क्या हूँ। कहाँ जाऊँ? मेरी इज्जत क्या है, मेरी औकात क्या है, आगे तो देखेगी ना। यहाँ आकर देख तेरी इज्जत का क्या हुआ है। अरे सुन तो, मेरे हुस्न के जलवे के बारे में तू क्या जाने? मैं जब सड़क पे इस तरह से चलती हूँ तो सारे लोग ललचाई नजर से मुझे देखते रहते हैं, और जब मैं अपने इस नाजुक कमरिया को इस तरह से बलखाती हूँ तो सारे बूढ़े जवान सब लोग होश गवाकर मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। तू आ, तुझे दिखाती हूँ। कहाँ आकर देखूँ मैं? तभी तो पता चलेगा कि तेरे चेहरे को कितने लोग देखते हैं और मैं कितनों को घायल करती हूँ। सुन ले, मेरी सुंदरता सिर्फ मेरे ही पति देखते हैं, तुम्हारी सुंदरता हजारों लोग देखते हैं, उससे मुझे क्या करना है? जा। क्या कहा तूने? क्यों रे, तेरे से मैंने थोड़ी सी बात क्या कर ली तो मेरी बराबरी करने लग गई? हाँ, कहा गया वो? अरे रानी रुक जाओ। क्यों रे, तेरी पत्नी ने क्या कहा सुना तूने? मैं चरित्रहीन औरत हूँ। ठीक है, मैं एक बुरी औरत हूँ, लेकिन तेरी पत्नी तो सती सावित्री है, तू जा उसी के साथ। अरे रुक जाओ रानी, क्या हुआ? तो फिर सुन, रुक जाओ।
तुझे इसके साथ रहना है या मेरे साथ रहना है? अरे रानी क्या बोल रही हो? तुझे जो भी फैसला करना है मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। सुनो जी। क्या है? क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे? नहीं। मेरी तरफ एक बार देख कर कहो कि तुम मेरे साथ नहीं आओगे। बिल्कुल नहीं कहा तो तुम यहीं पर खड़ी हो, चली जाओ यहाँ से। सुनो जी। अब क्या हुआ? मैं जा रही हूँ। जाओ यहाँ से। पर तुम्हें छोड़कर नहीं बल्कि पूरी दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। तुम जाओ यहाँ से। मैं आओ रानी चलो। बहन, बच्चे को संभालने की उम्र में तुम पत्थर को उठाकर क्यों मरने जा रही हो? मैं क्या करती बहन, मेरे भाग्य में बच्ची नहीं है, मेरे नसीब में दूसरे पत्थर पड़े हैं जिसका दुख मैं आज तक उठा रही हूँ। तो फिर बताओ तुम्हारा विश्वास क्यों कम हुआ? मैं अपने दुखों से परेशान हो चुकी हूँ बहन, इसलिए मैं आखिरकार आत्महत्या करने जा रही हूँ बहन। पर ऐसा क्यों हुआ? क्यों बहन, पति के क्रोध के वजह से। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? अच्छा तो तुम्हारे पति शराब पीकर तुम पर काफी जुल्म करते हैं। ठीक है, अगर पति मारे तो उसे मैं खुशी से स्वीकार कर लूं, पर वो तो एक पराई औरत के साथ रह रहे हैं। उसने मुझे मार दिया, इसके लिए मरने नहीं जा रही हूँ मैं। लेकिन एक पराई औरत ने मेरी इस तरह से बेइज्जती की है, अब तुम ही बताओ क्या मुझे जिंदा रहना चाहिए, बताओ। देखो बहन, हमारे गांव की सीमा पर एक मंदिर है, उस जगह पर माता स्वयं रूप धारण करती है, तुमने सुना होगा? सुना है। अभी तुम सीधे उस मंदिर में जाओ, तुम्हारे पति सुधरेंगे नहीं बल्कि पूरी तरह वो तुम्हारे घर वापस भी आ जाएंगे। जाओ बहन, हिम्मत से काम लो बहन। रख दिया है, अब बच्चे को माता के चरणों में रख दो और उनसे आशीर्वाद लो। पर आपने कृपा करकर बच्चे दिए हैं, वैसे ही कृपा मुझ पर कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे माँ बनने का सौभाग्य दीजिए, मुझ पर दया कीजिए माँ, मुझ पर दया कीजिए। माता। आइए सरपंच जी, आइए आइए बैठिए। हाँ बताओ भाई क्या समस्या है? महोदय, वैदेही से मेरी शादी होकर 10 साल हो चुके हैं, अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ। हमारे कुल के बराबर ये दोस्त को ठीक करने के लिए केले का पेड़ खाते रहते हैं, उसी तरह ये झाड़ से मैं शादी करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों की इजाजत है तो मैं शादी कर सकता हूँ क्या? और आपका ये पंचायत क्या कह रहा है, आप मुझे ये बताइए। हाँ तो ये बात है, जब इतने साल तक वैदेही को बच्चा पैदा नहीं हो पाया तो अब पैदा होगा क्या? आपका निर्णय बिल्कुल सही है। हमारी इच्छा के अनुसार इस झाड़ की शादी इस लड़की के साथ कर सकते हैं। तेरे को जो मन तो कर बेटा। रुक जाओ। सुनिए जी, मैं अभी मंदिर जाकर आई हूँ, माता ने मुझ पर अपनी कृपा बरसाई है। हट जाओ, तुम्हारी देवी माता तो 10 साल से तुम पर कृपा बरसा रही है, हट जाओ यहाँ से। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा इस बार। हमारे गांव के उस नए मंदिर में
माता के पैर पर गिरकर मैंने प्रार्थना किया है और छिपकली ने तुरंत जवाब दिया है कि मैं माँ बन सकती हूँ। बस आप क्या तुम्हें या तुम्हारी सोच को नहीं बदल सकता? उस मंदिर की महिमा जो वैदिकी हम सब से कह रही है उसका चमत्कार तुम नहीं जानते। वैदिकी सही कह रही है। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। तो इस तरह से नाच रहे हो, सबसे पहले एक काम करो। क्या करूं? 25 मटके दारू जो पिएगा उसे मैं ये 5 तोले की सोने की चेन इनाम में दूंगा। मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। तो क्या मैं पीऊंगा? देख लेता हूं। चलो देख लेंगे, चलो चलो सब पीते हैं। रुक जाओ बहन। हाँ? बहन, मैंने जिस मंदिर जाने को कहा था, मेरी प्रार्थना के बाद मैं रोई थी, उस वक्त छिपकली ने मुझे मेरी प्रार्थना का जवाब दे दिया था। फिर क्या हुआ? मेरे पति तो घर नहीं आते हैं और उसी के घर पड़े रहते हैं। इस वक्त मैं क्या करूं? ये देखो, कल पूनम की रात है, माता की मन पसंद रात है। तुम सीधा उसके घर जाकर अपने पति को बुलाओ। वो आएंगे क्या? जरूर आएंगे। बहन, पर वो पराई औरत अगर मुझे मारने आई तो? आज माता तुम्हारे साथ ही आएगी, तुम पर कोई भी साया नहीं पड़ने देगी। उस पर अपना पूरा विश्वास रखकर तुम हिम्मत से जाओ, माता तुम्हारी रक्षा करेगी। ठीक है। बेजुआ, ये 21 वालो पियो 21वां। अरे सुनो बेटी, जल्दी बाहर आओ, बाहर आ जल्दी। सुनो सुनो, इधर सुनो। क्यों रे? क्या काम है तेरे को? अरे पगली, तू यहाँ खड़ी है, वो देख वहाँ क्या कर रहा है। हाँ तो पीने दो ना। अरे वो अपनी दूसरी बीवी के साथ जा रहा है, कहीं छोड़ के तुझे। हाँ? 4 तोले का? हाँ? सोने की चेन? हाँ बेटी। वो कहाँ पे है और मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? ठीक है, जाती हूँ मैं। हे भगवान, मेरा मर्द कहाँ है? कहाँ हो? भैया, मेरे पति को देखा है क्या? सरदार, नहीं, कहाँ गया? ओहो, उस बेवकूफ आदमी को मैं कहाँ ढूंढती फिरूं? मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, पीने का तुम्हारे लिए पहन लो। चलो मेरी रानी, चलो। बैठो, ले आके अपने पति के साथ रंगरलिया मना रही है? हाँ,
तू समझते क्या अपने आप को? हाँ मैं कौन हूँ अभी दिखाती हूँ तेरे को। अरे शराबी, इसे सोने की चेन पहना के मुझे फंसा रहा है तू। चल बता ये सब कहाँ से आया, बता। चलो अभी बताती हूँ, चल मेरे साथ, चल तू चल मेरे साथ। रुक जाओ, चल आज तुझे मैं जान से मार डालूंगी। हाँ ये ले, मेरा बेटा, अरे वो मेरे बेटे को यहाँ पे ढकेल दिया। अरे कोई बचाओ मेरे बेटे को, अरे ये बेटा बेटा, अरे कोई बचाओ, 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 अरे मैं भी जाती हूँ नीचे। चलो खींचो खींचो खींचो। पता चला क्या? मुझे भी और मेरी सोच को भी। अरे ये यहाँ पे क्या कर रही है? अरे रे रे, अरे रे, ये क्या कर रही हो तुम? हे भगवान, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तुम्हारे शरीर को अगर कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं घबराया हूँ और तुम हिल रही हो। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आओ आओ, तुम देखो जब से कुआं में गिरी अपना दिमाग ठीक करके मैं इसके पास ही रह रहा हूँ ना, बताओ। अच्छा, इसे जो चाहिए वो मैं दे रहा हूँ ना, पर बेकार की चीजों को जला कर खा रही है क्या? ठीक है, कुछ हो गया तो मुझे ही दोषी ठहराओगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ए, तुम कहती थी तुम्हारा पति प्यार नहीं करता है, तुम्हें देखता नहीं है, अब माता की कृपा से तुम्हारे पेट में बच्चा है। ए, मेरी बेटी, पहले तुम यहाँ से जाओ। ए, तुम तो मेरी रानी हो। कुचलो मत। तो भी ठीक है, देख लेना अबे पैर से नहीं चलेगी। रानी तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ। नहीं ऐसा मत। बैठ ना, हमेशा कहती रहती है पति प्यार नहीं करता है, देखता नहीं है, अब प्यार कर रहा है तो बैठ ना। अब तुम्हें बोल के उठा कर ले जाऊंगा। अरे धीरे धीरे धीरे, ए फूल की तरह आराम से ऐसे उठाओ। फूल धीरे धीरे। अरे भगवान, गाय को चारा दे रही हो? और क्या करूं, हमारे नौकर काफी बड़े हो चुके हैं ना, पति पत्नी दोनों मिलकर आज घूमने गए होंगे, कामचोर मजे कर रहे होंगे। इन जानवर को देखो, इंसान की तरह तड़प रहे हैं। और कितनी देर तक इनकी चीख सुनूं? उस सरदार को आने दो। आगे मालकिन, आगे मालकिन। आओ सरदार, अभी तुम्हारा सूरज उगाया है क्या? नहीं मालकिन, हमारे घर पर एक शुभ काम काफी दिनों से रुका पड़ा था, आज हो गया। ऐसा क्यों हंस रहा है बताओ? मेरी पत्नी गर्भवती है। क्या सोच रही हो? अगर उसकी पत्नी गर्भवती हुई तो उसमें मेरा क्या दोष है? चुप रहिए। समझ रहा हूँ, ब्रह्म ज्ञानी सदाशिव गुरु ने बच्चा पैदा होगा ऐसा वचन दिया था। तुम हिम्मत मत हारो, भरोसा रखो, माता की कृपा होगी। काली का भेष है। क्यों दामाजी? मैंने कहा ना, जब मेरी वैद्यगी गर्भवती बन जाएगी तो मैं ऐसा काली भेष डालूंगा, पर आज मेरी राजरानी जीत गई। ए बाजा बजाओ।
ऐसा क्यों कह रही है मालकिन? फिर इतने दिन हो गए हैं, आप तो काफी बड़ा पेट लेकर आई हो। तुम्हारी तबीयत के बारे में नहीं पूछूं क्या? क्यों कर रही हो तुम, वो भी इस हालत में तबेला कैसे संभाल सकती हो? मेरा तो ये भाग्य नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ। तुम्हारी डिलीवरी के बाद तुम 3 महीने घर पर रहोगी, इसलिए आज से ही तुम काम पे मत आओ, मैं दूसरा नौकर रख लूंगी। मालकिन, मालकिन, जरा मुझ पर दया कीजिए, मेरी रोजी रोटी का सवाल है। तुम इसी तरह मुझे फंसाती हो और मैं तुम्हारे जाल में फंस जाती हूँ। आ रही हूँ, पर मैं किस किस का सुनूं अब? मीनाक्षी, मीनाक्षी जल्दी आओ। पर क्या हुआ स्वामी? फूल प्रसाद सब तैयार है ना? हमारे पास वक्त नहीं कहकर बावर्ची नहीं आए, सब कुछ मैंने ही पकाया है। वो लोग नहीं आए पता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ तैयार है। कहाँ? देखे बगैर आपको विश्वास नहीं होगा, ये देखिए। कहाँ है? सब कुछ देख लिया ना? हाँ देख लिया। अब आपको शांति मिल गई? बिना वजह क्रोधित होते हो। अरे 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 अरे, ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? ये क्या, मैंने कहा ना यहाँ का हर काम मैं करूँगा, तुम बस आराम से घर पे रहोगी। ऐसा क्यों कह रहे हो, आप थक जाओगे ना। और जब से आप मुझसे प्यार करने लगे हैं, तब से मेरा दिल कहीं नहीं लगता। अच्छा? हम्म, क्या ये बात है, जब से तुम गर्भवती हुई हो तुम्हारी सुंदरता निखर गई है। मैं तो हमेशा की तरह वैसे ही दिखती हूं। तुम्हें क्या पता, तुम्हारा चेहरा सोने की तरह चम 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 चमक उठा है, पूरी दुनिया तुम्हारे पैर में डाल दूंगा। आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हो, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए पर कुछ और क्या चाहिए? दोगे क्या? सचमुच सचमुच लेकर आऊंगा, बताओ क्या चाहिए। लड्डू मिर्ची मिठाई चाहिए, बाजार के दुकानों में जितनी भी मिठाइयाँ हैं सब शाम को लाकर देता हूँ मैं तुम्हें। नहीं जी, पर वो इस तरह स्वादिष्ट नहीं। फिर है, फिर कैसा रहेगा? अरे ये लोग किसी भी तेल में साधारण मिठाई बनाते हैं, पर ये तो असली घी में बने हैं, मुझे तो यही चाहिए। ला दो ना, मुझे ला दो ना। अरे पगली, ये माता के लिए बना है, ये पुजारी लोग इसे ले जाकर माता के पास चढ़ाकर फिर वो पुजारी लोग इसे खाते हैं। चलो घर चलो, एक बार मालिक से तो पूछ लो ना। मालकिन, गर्भवती की खबर देने पर वो काफी गुस्से में मुझे घूर रही थी, तुम्हें बाजार से अच्छी मिठाई लेकर आता हूँ मैं। मेरी तो इसी मिठाई पर इच्छा है, मुझे बाहर की मिठाई नहीं चाहिए, बस आप मुझे ये ला दो ना। अरे रे रे, ये तो रो रही है। अरे पगली क्यों नहीं बात को समझती, तू खुद रोकर मुझे भी रुला रही तो है। कुछ नहीं कर सके, वो काम मैंने ही करके बताया। अच्छा, मैंने क्या मना किया? नहीं कहा था, वो पगली औरत बांझ है, कभी माँ नहीं बन सकती। वो तो मैंने माता की कृपा से आशीर्वाद प्राप्त किया, और तुम मेरे लिए रुवा रखी हुई मिठाई भी नहीं ला सकते हो, कैसे पति हो, तुम्हारा कुछ अरे नहीं रे होगा। रे, तुम तो मेरी मर्दानगी पर शक कर रही हो, अब मैं वो मिठाई कैसे लाऊं? तुम माता से मन्नत मांगी थी? हाँ। कौन से मंदिर में? मंदिर पर, बॉर्डर का मंदिर। हाँ। देख कर आता हूँ मैं। माता, 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 माता। कौन हो तुम, क्या बात है, इस तरह से गिर गए? माताश्री, पिताश्री, बोलो। मेरी पत्नी घर में काम करती है, उसे भी इस माता से बच्चे का वरदान मिला। वरदान मिला था? मिला, पर वो 8 महीने की गर्भवती है। हाँ? और हम तो नीची जात के लोग हैं, हमारे मालिक के घर पे पूजा के लिए मिठाई बना कर रखा है, मुझे वो मिठाई किसी भी तरह से चाहिए। तुम उसी मिठाई को लेकर के दो इस तरह से छोटे बच्चों की तरह रो रही है। उसने मेरी मर्दानगी को ललकारते हुए एक सवाल पूछा, मैं किससे जाकर कहूँ? वो माता जी के आशीर्वाद से वो गर्भवती स्त्री बनी, आज उसके मन पसंद की मिठाई खुद खिलाएंगे, इस बात का विश्वास लेकर मैं यहाँ आया हूँ। विश्वास और श्रद्धा तो है, पूरा करेंगी। पर कैसे पूरी करेंगी? इस मंदिर में जवान छिपकली देने पर ही मनोकामना पूरी होती है, पर अभी यहाँ पे मुझे छिपकली भी नहीं दिखाई दे रही, मैं क्या करूँ? माता, माता, वैदिकी, वैदिकी, माता ने जवाब दे दिया। माता, 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 माता।
किसकी बेटी हो? कब से देख रहा हूँ मैं तुम खाती जा रही हो। रख दे वो लड्डू। दिखने में तो ब्राह्मण की लड़की दिखती है, माता के खाने से पहले उससे झूठा कर सकती है क्या? चल जा। मीनाक्षी, मीनाक्षी। अरे स्वामी, इस तरह क्यों पुकार रहे हो? मीनाक्षी, गुरु की वाणी सच साबित हुई। माता ने स्वयं दर्शन दिए। दर्शन ही नहीं दिए बल्कि यहाँ आकर मिठाई भी खाई। बापरे बापरे बापरे, मुझे भी बुलाना चाहिए था, मैं भी उनका दर्शन कर लेती। वो तो एक बालक के रूप में आई थी, यहाँ आकर उसने सभी मिठाइयों को झूठा कर दिया। किसकी बच्ची है ऐसा कहकर मैंने उसे भगा दिया, और जब वो भागने लगी तो अपने पैरों के निशान यहाँ छोड़ती चली गई। ध्यान से देखो। ये तो माता का यंत्र है, जो यहाँ दर्शन दे गई वो माता अंबिका ही थी। तुम अभी तुरंत अपने मोहल्ले के सभी सुहागनों को औरतों को बुलाओ। हाँ। मैं अभी जाकर सभी शास्त्रियों को बुलाता हूँ। इस माता के पद की पूजा करके इस मिठाई का महाभोग चढ़ाएंगे। ये प्रसाद हम सबको बांटेंगे और हम खुद भी खाएंगे। इससे हमें पुत्र प्राप्ति होगी, हमारी मनोकामना पूरी होगी। हाँ। चलो भगवान चलो। थी ना, ये लो। पर मालकिन। क्या मालकिन, क्या खाओ रही? आप मुझे दीजिए, मैं खा लूंगी। मैं खिलाती हूँ। नहीं, आप छोड़ दीजिए। लो खाओ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे डर लग रहा है। नहीं चाहिए मालकिन। खाओ खाना। तुम यहीं रुको, बैठो। ये क्या, तुम मेरी बात मान क्यों नहीं रही हो? सभी आने से पहले तुम इसे खा लो। नहीं, मुझे डर लग रहा है। खाओ खाना। खाओ लो। अरे लो तुम। नहीं, बहुत मारी। नहीं। खाओ ना दीदी। मत मारिए। गुरुजी, गुरुजी, आपकी बात सच साबित हुई। माता एक बालिका के रूप में यहाँ प्रकट हुई, यहाँ आकर उसने प्रसाद खाया और ये प्रसाद इस औरत ने नीचे जाति की औरत को खिलाया। तो जो वैदिकी को प्रसाद खिला रही हो उसे अपनी पत्नी के रूप में देख रहे हो? अब देखिए। उन्हें बुलाकर देखिए वो कौन है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। बुलाइए। उठो भाग्यवान, उठो भाग्यवान, कितने बड़े स्वामी यहाँ पधारे हैं। ए, तू नहीं उठी तो गला दबा दूंगा। माता, जो कोई ना कर पाए उस मनुष्य को आपने मंदिर में ब्रह्म शक्ति का पद दिलाया है वो सदस्व है। एक बार पलट कर देखिए माता, बस एक बार इसके चेहरे से, बस एक बार जात का पात का धर्म का विचार निकाल कर दिखाओ माता। माता, एक बार मेरे लिए पलट कर देखिए। माता यहाँ आई, मैंने अपने हाथों से माता को मारा। स्वामी, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। स्वामी, मैं पापी हूँ, पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। मुझे माफ कर दो स्वामी। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मीनाक्षी, माता तुम्हारे रूप में यहाँ आई थी और उसने ये प्रसाद इस औरत को खिला दिया, लेकिन मैं अभागा ये समझ नहीं पाया। उसका ये कारण है कि आप लड्डू जलेबी मिठाई बनाकर उसे दूसरे के हाथों से खिलाते हो, पर वैदेही उसने बासी चावल को भी स्वयं अपने हाथों से माता को चढ़ाया है। उसके बदले माता ने स्वयं उसे आकर खिलाया। कहो, ये न्याय हुआ ना? माता ने जो कुछ किया वो न्याय है। ए?
ये क्या हो रहा है वैदेही को? चलो जाओ देखो, जल्दी देखो। जी जरा देखिए ना, सरदार को एक पुत्र पैदा हुआ है। मालिक मालिक मेरे बच्चे को दिखाइए। ये हमारे घर में पैदा हुआ, हमारा बच्चा है। क्या ये मालिक, मैं भी तो आपके घर का बच्चा हूँ। अरे ये कैसा हो सकता है, तुम हमारे दामाद हो, मेरे वैदेही के पति। माता तेरी महिमा अपरंपार। माता